हेलो गाइस, तो बाकी से आज अपन देखेंगे पीसी बिल्ड जो कि 80 से 85,000 के बीच में है। और ये गेमिंग पीसी है और वीडियो एडिटिंग के लिए भी। और इसमें अपन i5 12th जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये सभी कंपोनेंट आप देख चुके होंगे पहले, अपने एक एक पार्ट्स वाइज वीडियोस में कंपोनेंट की लेकर आ चुका हूँ अपने चैनल पर, है ना। तो गाइस देखते रहना और यूट्यूब पे अपने और मेरे चैनल पे। और गाइस सबसे पहले तो गाइस लाइक करो, गाइस कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो वीडियोस, है ना। तो इसमें अपना गेमिंग पीसी में अपना B760M गेमिंग एसी आल कंप्लीटेड कर रहे हैं अपन मदरबोर्ड, जो कि DDR5 मदरबोर्ड वाला है और इंटेल i5 का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं और 12th जनरेशन का, जो कि 12400F का सीरीज़ का है। और DDR5 की 16GB की रैम यूज़ कर रहे हैं, जो कि 16GB की वन स्टिक यानी 32GB कर रहे हैं अपन यूज़, ठीक। एंड एयरडाटा की अपन कर रहे हैं इसमें यूज़, जो कि है 1TB की SSM.2 की SSD, जो कि रीड एंड राइट मेमोरी 7000 के अबाव भी है, मतलब रीड एंड राइट। और कूलर मास्टर का चेल्स 2 लिक्विड मास्टर लिक्विड ARGV यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं पास से थोड़ा और दिखा देते हैं अच्छे से, जिससे कि पता चल जाए। ओके, ये देखिए, ओके मास्टर ARGV का यूज़ कर रहे हैं। बाकी कूलर मास्टर की MWE ब्रॉन्ज V2 550 वाट की SMP यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी कंपोनेंट को अपन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें असेंबल करने में बहुत टाइम लग जाएगा गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने जो भी कंपोनेंट की वीडियो अच्छे से ना देखी हो तो उसके लिए आप सबसे पहले तो मेरे चैनल पर जाइए। एक एक कंपोनेंट्स की सभी वीडियो मैं बना चुका हूँ और डाल भी दिया हूँ। और साथ ही साथ ये ब्रैकेट भी आया हुआ है, जो कि ये जो ब्रैकेट है आपको वो प्रोसेसर को अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए रहेगा। ये ब्रैकेट लगाने से अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा मदरबोर्ड में, और जिससे कि बेंडिंग प्रोसेसर नहीं होंगे, ठीक है। और प्रोसेसर बेंडिंग होने की वजह से परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती, और FSV वगैरह और राइट जो गेमिंग में परफॉर्मेंस और वीडियो एडिटिंग के रेंडरिंग में परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है प्रोसेसर से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अलग से अमेजोन से बाय किया है। बाकी इसी कंपोनेंट बाकी सभी कंपोनेंट की मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, आप उधर से इसको बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन जल्दी से जल्दी और एक ही कंपोनेंट को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपना मैं बता देता हूँ, जनरली 5 प्रोसेसर है, फिर उसके बाद मदरबोर्ड है, और फिर उसके बाद अपना M.2 की SSD रैम है, फिर M.2 की SSD है, ये देखिए M.2 की SSD, फिर कूलर मास्टर है 240mm का, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रैकेट, हो जाएगा ये ब्रैकेट्स है, और फिर इसके बाद आपका ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड RTX 3050 है, और 550W की कूलर मास्टर की ब्रॉन्ज प्लस में V2 वर्जन है, और जेप्रॉन इसका केस यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक। और XPG की अपनी रैम है 16GB की स्टिक्स बन, यानी 16+16GB 32GB की स्टिक्स हो जाएगी, ठीक। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी, करना पड़ेगा, बहुत बड़ी वीडियोज़ रहेगी, बाकी देखते रहना वीडियोज़ और स्किप नहीं करना ज़्यादा। थोड़ा मैं कैमरा पे एडजस्टेबल कर लेता हूँ क्योंकि यार वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, और एडिट करने में और शूट करने में। और पहले की वीडियो अच्छे से देखते रहा करो, और एक एक कंपोनेंट्स की मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोगों को अच्छे से पता चल पाए। तो सभी कंपोनेंट को फिर अपन साइड में रख लेते हैं, और पहले अपन मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम को बिल्ड करेंगे, और फिर उसके बाद स्पीडली कर देंगे। सो मैं स्पीडली करूँगा क्योंकि उसमें एक एक चीज़ अगर बताएँगे तो भाई बहुत टाइम हो जाता है ना, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं उधर, ओके ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहले अपन को करना है प्रोसेस मदरबोर्ड, जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग करके। ये सब अनबॉक्सिंग वीडियो हो चुकी है भाई, अच्छे से देख लेना, इसलिए मैं टाइम को सेव करते करते वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम सेव करना है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। ओके
चलिए, क्योंकि इसके साथ साथ फिर आएगा ये टूल्स, टूल्स को करना पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले कि अपन एक प्रोसेसर लगा देते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और देखते हैं ना। इसकी कट्स बने हुए हैं, ये कट्स करके करना पड़ेगा। इस प्रोसेसर को इसलिए लगा दिया क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, जो कि अपना है ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के द्वारा भाई, यस, इस ब्रैकेट को इंस्टॉलेशन करने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा। इस ब्रैकेट को इंस्टॉलेशन करना है इसलिए इस टूल से खोलना पड़ेगा इसके। ओके ठीक है, खोल लेते हैं जल्दी से जल्दी। ओके अब इसके बाद ये ब्रैकेट लगा देंगे जिससे कि अच्छे से ये बन जाए। ठीक, ओके, ये लग गया है। अब इसके बाद इसके स्क्रू इसी में लगा देंगे क्योंकि जो बैक प्लेट इसके पीछे लगी हुई है ना, वो उसी में कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके साथ बैक प्लेट तो आई नहीं है कोई भी, देखिए इसके साथ बस थर्मल पेस्ट आया है, और मैंने ये टूल्स बताया था ओपन करने के लिए वो, और एक ही ब्रैकेट आया हुआ है, तो बस यही आया और कुछ नहीं आया। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी लगा देते हैं, पूरे स्क्रू को टाइट कर देंगे जैसे करना है, है ना। ओके, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ओके ओके, एक इसको कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रोसेसर बेंडिंग इशू नहीं होगा और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, और जो कि है प्रोसेसर में आजकल स्क्वायर शेप में आ रहे हैं वाइड एंगल में प्रोसेसर, तो इसलिए है ना, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, फिक्स कर देना है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर ज़्यादा टाइट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर वो। ठीक, ओके, चलिए इसके बाद आ जाती है अपनी रैम। सो रैम अपनी कहाँ है भाई लोग, ये तो हो गया, ये पेस्ट में इसका अपन कूलर मास्टर जब करेंगे, एआईयू मतलब कि लिक्विड मास्टर, वो तब करेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक, एंड रैम कर देते हैं इंस्टॉलेशन, क्योंकि रैम की भी वीडियोस अपन लेकर आए थे ना पार्ट वाइज, तो पार्ट वाइज अपनी रैम की वीडियो हो जाएगी। ओके, ये 16 GB की स्टिक है, 8 GB लाइट वाली, उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। ओके ओके, ठीक है, चलो। बाकी रैम में जो है क्लिक की आवाज़ आ जाएगी आपकी, तो एक एक रैम इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ठीक है, किट की। ओके, इसके बाद आते हैं आपके एक और रैम सेकंड, जो कि 16 GB की एक और है ये वाली, और इसको भी अपन इंस्टॉलेशन करेंगे इजीली धीरे से,
क्योंकि बहुत ही प्राइस बहुत ज़्यादा आया है। DDR5 की रैम है और हाई कॉस्टली प्राइस है, और मेगाहर्ट्ज़ बहुत 6000 के बीच में, इसका भी कट्स से कट्स लगा देंगे, ठीक है, ओके। ये भी रॉन्ग लग रही है क्योंकि ये कट्स जो था मेरा उस साइड है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ पाया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं लगा देता हूँ, ओके ओके ठीक है, हो गया है। चलो बाकी ये तो अच्छे से इंस्टॉलेशन हो गया है, अब इसके बाद आती है M.2 की, वो भी बहुत ही ज़्यादा सेफली अच्छे से करना पड़ती है, और छोटी सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है तो पता नहीं चल पाता है इतना, है ना। ये M.2 की SSD है 1TB की, जो कि लेजेंड 960, जो कि कंपेयर मैं कह सकता हूँ सैमसंग 980 के कंपेयरिंग है ये, ठीक है, ओके। करने में थोड़ी प्रॉब्लम ही करती है, ओके हो गया हो गया, बहुत ही छोटी सी चीज़ है ना, हो गया। चलिए इसके बाद पहले ये आती है इंस्टॉलेशन M.2, तो M.2 स्लॉट अपना ये है जेन 4 का, जो कि जेन 4 सीरीज़ की M.2 है, और इसके लिए ये क्लिप दिया है इन्हें, तो ये इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फिर इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ निकालने लगाने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा 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 ठीक है, ओके। ये मूव हो जाएगा, ओके ठीक है, वो मैं M.2 इंस्टॉलेशन नहीं किया है ना मदरबोर्ड में, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इसको स्लॉट में ऐसे कट कर देंगे, फिर इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक। अब ये तो अपन निकाल के लगा देंगे, बट उससे पहले कि ये जो स्लॉट है इसको पहले निकालेंगे, ठीक। इसको निकाल दिया, अब इसको ऊपर कर देंगे, उसके बाद अपन इसको इंस्टॉलेशन कर देंगे, इससे पहले कि मुझे ये लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसका कूलिंग है थर्मल, और इसका थर्मल आपका ऐसा लगेगा, ठीक, ओके। वो तो अपन जब इंस्टॉलेशन कर लेंगे फिर ऊपर से लगा सकते हैं इसको, और अभी अपन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ओके। यार इसमें बहुत टाइम ले रहा है, निकल गया, ये पूरा निकालना ही पड़ता है इसको, देखो यस, ये M.2 की स्लॉट का सेक्शन, जब भी तो इसको लगा पाएंगे, ओके। अब सबसे पहले तो M.2 की SSD है, तो इसको निकाल के इसमें लगा देते हैं, जिससे कि कूलिंग बनी रहेगी, ठीक। तो सबसे पहले इसको अपन M.2 की SSD को लगा लेते हैं, ओके। अब इसके बाद अपन थर्मल इसका लगा देंगे, हीट सिंक्स जो कि है, एडाटा कंपनी की है, एडाटा के सिलेक्शन में आ चुका है, और अपना ये SSD M.2 का लग गया, ठीक। और ऊपर से ये हीट सिंक्स भी लगा दिए अपन अच्छे से। चलिए भाई इसके बाद आती है बात आपकी लॉकिंग की, तो लॉकिंग अपन कर सकते हैं, ठीक है, लॉकिंग कर देते हैं, लॉकिंग कर दिया, ठीक।
अब क्या बचता है, अपना सीपीयू का मदरबोर्ड का इंस्टॉलेशन हो गया पूरा, मतलब प्रोसेसर इंस्टॉलेशन हो गया है, सॉरी प्रोसेसर इंस्टॉलेशन हो गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट इंस्टॉलेशन कर लिया, रैम इंस्टॉलेशन कर लिया, M.2 की SSD इंस्टॉलेशन, 1 TB की कर लिया, ठीक। अब इसके बाद इसको अपन को उसमें इंस्टॉलेशन करना है CPU कैबिनेट में, ठीक। तो चलते हैं, फिर उसके बाद अपन अपना कूलर मास्टर भी करेंगे और ग्राफिक्स कार्ड, और M.2 हो चुका है और पावर वगैरह सब इसी से मिल जाएगा मदरबोर्ड, है ना। ओके तो गाइस ये थोड़ा सो अपन अब कैबिनेट अपना ये है, ओके इस कैबिनेट में अपन इंस्टॉलेशन कर लेंगे, और फिर अपना ये ग्राफिक्स कार्ड है, और फिर SMP, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार कंप्यूटर में, कंपोनेंट इतने सारे हो जाती हैं, बहुत एक कंपोनेंट आपको एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सब बॉक्स को मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ, क्योंकि अभी जो अपना बॉक्स हो चुका है वो अपना साइड रख देते हैं, इधर जगह भी तो होना चाहिए थोड़ा प्लेटफॉर्म में। चलिए इसको अपन थोड़ा कर लेते हैं, निकाल देते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका जो वीडियो आ चुका है पहले भी, बहुत पहले आ गया था और आप लोगों ने देखी भी थी, 300-400 भी वो आए थे, बाकी ठीक है जितना भी आया आप लोगों ने देखा हो, दोस्तों को शेयर करा, है ना भैया, ऐसा है। ओके इसको अनबॉक्सिंग कर लो, टाइम लग जाता है। केस में इंस्टॉलेशन, इसको अनबॉक्सिंग कर जल्दी से जल्दी, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और फास्टली निकालने के लिए। ठीक सो कैबिनेट को निकालिए, जिब्रोन का अपना वही वाला मॉडल है जो पहले अपने रिव्यू किया था और अनबॉक्सिंग किया था, ठीक है। तो इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे पीसी को, बहुत टाइम बाद भी वीडियो बन पाई है, ये भी रखा रहा मेरे पास, मैंने कहा इसी में बना लेते हैं अपन। तो भाई सबसे पहले तो इसका मैंने पहले रिव्यू बहुत अच्छे से कर दिया है, इसके अच्छे से पार्ट्स कांच वगैरह मिरर है, इसको सेव करके रखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो इसको ऐसे में रख देता हूँ आड़े में, इससे भी आराम से अपन इसको इंस्टॉलेशन कर सकें सभी कुछ, है ना। ओके सो ये वैसे एंगल में रख दिया है जिससे कि अपन को पता चल जाए कि कहाँ कैसा क्या इंस्टॉलेशन लगाना है, क्या क्या करना है, ठीक। सबसे पहले मदरबोर्ड्स कर देते हैं, फिर कूलर मास्टर कर देंगे, फिर SMPS और फिर कनेक्शन वगैरह बहुत सारा मैनेजमेंट रहेगा। और ये मिरर है, ओके ओके, बहुत मोटा नहीं है, 2 mm तंग तंग का कांच होगा ये, ब्लैक हैगा कांच शेडो, ठीक है। ओके को भी अभी साइड में रख दिया, चलिए साइड में रख दिया है जब तक अपन इंस्टॉलेशन कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, RGB कंट्रोलिंग के लिए सभी कुछ जो बताया हुआ है क्या क्या लगाना है, नॉर्मल चीज़ें हैं वही, पावर और स्विच और USB के पोर्ट फ्रंट के और आपके IDO के भी रहेंगे, तो ये सब तो नॉर्मल ही रहते थे। बाकी ये जो फ्रंट में 3 फैन है RGB वाले और बैक साइड में ये 1 फैन है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। ओके चलिए भाई मदरबोर्ड को इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, अगर तो ये अभी हो नहीं रहा क्या। ओके इसको पहले बाहर का मैनेजमेंट कर देते हैं अपन थोड़ा। ओके
पीछे जो है ना वो अच्छे से प्लग नहीं लगा हुआ है। ये वाला ये अपन को इधर करना पड़ेगा, ठीक ओके, ये कनेक्शन अच्छे से मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन हो जाए, ओके, जब ही तो मदरबोर्ड लग पाएगा। तो गाइज अपना ये मदरबोर्ड अपन ने इंस्टॉलेशन कर लिया था, सभी कुछ प्रोसेसर ब्रैकेट्स एंड रैम और इसके साथ प्रोसेसर SSDM.2, ठीक है। तो अब अपन इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, उससे पहले मुझे ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक। तो वही ब्रैकेट है कहाँ, ये है ब्रैकेट, ओके इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, चलिए। तो फिर ये हो गया, अब इसके बाद आती है बात अपनी प्रोसेसर, ठीक ओके ओके बोर्ड की, तो बोर्ड को लगा देते हैं, बाकी सभी कुछ अच्छे से लग गया है। ये नहीं हो रहा, चलो रहने दो, चार स्क्रू पे कर देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, ओके। ये इसके स्क्रू मिल गए हैं, तो स्क्रू निकालना पड़ेगा, स्क्रू मैंने देख लिया है ना, और लगे थे उसी में साइड में मिल गए हैं बाकी, ओके। चलिए बोर्ड को लगा देते हैं, चलिए तो हो गया। अब बात आती है लिक्विड कूलर्स की, तो वो और कर देते हैं इंस्टॉलेशन। सो वो ये है लिक्विड कूलर, तो बहुत सारी ऐसी उसको भी निकाल लेते हैं अपन, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो हो चुकी है पहले की, अब देख लेना आप लोग, है ना। ओके पेन हो गया, पेस्ट हो गया, सीपीयू पेन हो गया,
चुकी है, रेडिएटर हो गया। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। चलिए इसको अपन रख देते हैं साइड। ओके, फिर लास्ट में ग्राफ स्टार्ट कर देंगे इंस्टॉलेशन। इसको किस स्टाइल्स में लगाना पड़ेगा, इसको इंस्टॉलेशन करेंगे सबसे पहले तो कूलर मास्टर वाले को, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अभी इसको करने में। तो इंटेल नहीं, एएमडी में, इंटेल में करना है, इंटेल सॉकेट्स में, तभी तो सॉकेट्स निकालना पड़ेंगे। ओके, केबल एंड पेस्ट वगैरह सभी को जाया है ना। ओके, नट स्क्रूज वगैरह सभी को चाहिए, ठीक। एंड सबसे पहले अपन को चाहिए हैं इसके जो कि हैं फैन के नट बोल्ट्स, ठीक। चलो भाई कंप्लीट हो गया जे तो लगाना। अब उसके बाद इसमें हेडर में और लगाना पड़ेगा, इंटेल वाला है तो इंटेल में 1700 सॉकेट्स है, उसको भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। बहुत ही लंबी प्रोसेस है भाई लोगों। ओके, ऐसा ही लगेगा ऊपर से, बहुत प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए छोटे वाले नट बोल्ट्स थे ना, ये भी हो सकते हैं, ये तो ऊपर के बॉटम के लग रहे हैं, तो ये इसके ऊपर यही है, यही क्योंकि ये सेम कलर है ना इसमें। चलिए इसको और इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया था। ये 1700 सॉकेट है ना, तो उसका अलग है इंस्टॉलेशन। एएमडी में तो क्लिप फंसाना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है कि इसका अलग प्रोसेस है। ये भी हो गया,
ये भी टाइट हो गया और ये भी और ये ठीक सभी कुछ टाइट हो गया। अब भाई फ्रंट में इस कैबिनेट को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मतलब कि पहले की इंस्टॉलेशन वो करना पड़ेगा अपन को सीपीयू फैन इंस्टॉलेशन, फिर उसके पास पहले फैन लगा देते हैं। चलिए केबल मैनेजमेंट अपना हो जाएगा, पीछे से बैक साइड से कर देंगे उसको। ओके थोड़ा प्रोजेक्ट हो गया गाइस, बाकी लाइक करना गाइस ना आप लोग, कमेंट भी करना। तो टॉप में अपन कर देंगे रेडिएटर इंस्टॉलेशन, जो कि मैंने बताया है आप लोगों को। रेडिएटर को इंस्टॉलेशन करना भी ओ सिट 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 ओके वेट। इसके नीचे मुझे प्लेट्स लगाना थी, वो भी रेडिएटर के इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले, क्योंकि इधर डैमेज तो कुछ नहीं होगा। चलिए हाँ, ये प्लेट्स की बात हो रही थी, बाकी इंस्टॉलेशन कर लिया तो फिर बाद में पता चला कि भाई ये भी ज़रूरी है ना, सबसे पहले तो इसी में कर पाएंगे। छोटी छोटी डिस्टर्बेंसिंग कर देती हैं कहीं ना कहीं, बाकी अपन बैक साइड कर लेते हैं ऊपर, उधर से लगा देते हैं ना, इसको डिस्टर्ब नहीं कराएंगे। चलो कुछ नहीं हो जाता है, बैक साइड किस लिए बनाया गया है, उसी के लिए बनाया गया है कि उसको ओपन करके उधर से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लिप पीछे के मैं लगा देता हूँ। तो बैक फ्रंट में मेरा यही था अपना, ठीक है तो मैं लगा देता हूँ। पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इतना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लो ठीक इधर अपन इंस्टॉलेशन कर देते हैं, सिंपल बात है, कुछ मुझसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक इसमें अपन करेंगे इसको इंस्टॉलेशन। ओके ठीक ये हो गया, अब अपन इधर से इसके स्कैप्स को लगा सकते हैं। बट इसको टॉप में ये है ना, ये इसको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर से अपन को रेडिएटर को इंस्टॉलेशन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे भाई, देखते रहना आप लोग गाइस। ओके चलिए तो अभी अपन इसको रख देते हैं इस टाइप में, और एक नट बोल्ट लगा देते हैं। ठीक ये वाला नट बोल्ट अपन इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ओके जिससे कि ये नीचे ब्रैकेट नहीं गिरेगा। ठीक ओके बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है यार। ओके ये कर लिए हैं, बाकी आवाज़ जो आई थी मुझे ट्राईपॉड की गिरने की आई है, कुछ ज़्यादा बोलने नहीं आई है। ठीक है चलिए ये तो मैंने लगा दिया है जिससे कि ये नहीं गिरेगा। चलिए जल्दी से करते हैं अपन इंस्टॉलेशन, और ये मैंने नट बोल्ट्स लगा दिए हैं इसमें, देख लीजिए आप इधर इधर पर, जिससे कि ये पीछे का ब्रैकेट अपना नहीं गिरेगा। अभी अपन इसको कर देते हैं मूव नीचे और इंस्टॉलेशन।
इंस्टॉलेशन करेंगे आप आराम से इजी तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट लग गया है अब प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब ये वाली स्क्रूब अगर अपन ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक, तो ये देख लीजिए गाइस। ओके, ये जो सॉकेट से ये नहीं लग रहा था पीछे, क्योंकि मैंने लगा के देखा ये दूसरे सॉकेट से 1200 सॉकेट होगा, ये 1700 सॉकेट है, ठीक है, इसे ही लगा हुआ। चलिए भाई पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये इंस्टॉलेशन हो जाता अपना, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी तो इधर ही पर हो रही है थोड़ी, इसको थोड़ा रहता होना। ओके, रेडिएटर इंस्टॉलेशन है ना, कठिन ही है थोड़ा। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। ओके, अपन को लगाना है भाई ये। बोर्ड में ये लगेगा भी कि नहीं लगेगा, मुझे कुछ ऑप्शन नहीं लग रहा है कि कैबिनेट की रैम बहुत बड़ी हो रही है, रैम डिस्टरबेंसिंग कर रहा है, पता चलेगा, रुक जाएगी गाइस। इस मुझे कैबिनेट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इतना अच्छा पूरा है कम्प्लीटली, इसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा बहुत सारा। क्यों बट ये हो तो जाना चाहिए था, क्योंकि एक जबरोनिक्स का है तो 240 mm का कूलर मास्टर लग सकता है इसमें, बट वो क्यों नहीं लग रहा, उसके वजह से रीज़न है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। ये बात हो रही है कि रुकिए, रेडिएटर नहीं होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो SCPO फैन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सर यस यस, सी गेमिंग बोर्ड है तो उसके रैम तो बट रहना चाहिए है, थोड़ा अलग ही डिफरेंस। CPU फैन इंस्टॉलेशन कर देते हैं, कम से कम रन तो हो जाएगा यार, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वॉच। अपन लगा के देख रहे थे बाकी गाइस, ये जो क्लिप्स है ना, इसको ऐसा मैंने लगाएंगे, निकाल तो लिया था अभी अपन ने, अपन इसको ऐसा लगाएंगे और ना ये हो गया। वही मैंने कहा क्योंकि फिटिंग अच्छे से नहीं हो रहा था, और अभी देखा मैंने स्टॉप करके थोड़ा अच्छे से, तो फिर लग गया, क्योंकि कोई भी कूलर मास्टर कैबिनेट हो, केस हो, तो वो फिटिंग करने के लिए अच्छे से करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये रन हो पाता है, ठीक। तो बाकी रैम नहीं फंस रही थी, अब नहीं होगी दिक्कत, अब रैम मैम सब लगते। ओके चलिए भाई, तो सबसे पहले इसको नेटवर्क पूछ कर देते हैं, तो मैंने कहा नया केस करने बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि केस को बुलवाने के लिए भाई बहुत पैसा है, इसमें खर्च हो गया यार 70-80 हज़ार बहुत कहलाता है। इससे में आपको गेमिंग का कंप्लीट लैपटॉप आ जाता है कि कम्प्लीटली, क्योंकि गेमिंग में कह सकता हूँ 70-80 हज़ार तक का, बट इतना बजट यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि
पता चलेगी भाई कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, है ना। चलो भाई टॉप में देख लेते हैं, इधर पे नेटवर्क स्क्रूज लग जाएंगे। मिल गया, ये को अच्छे से फिक्स हो गया। ओके और नीचे भी कर सकते क्या उसको, क्योंकि वैसे लग सकता है वो मेरे हिसाब से। अब देखा जाए तो कहीं फंस रहा है, तो रैम भी लगी हुई है, कुछ चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए तो अच्छे से करना पड़ रहा है। वो उधर ही फंस रहा है, उसके आगे नहीं जाएगा वो, दो तीन नट बोल्ट ही कस पाएंगे। चलो रहने दो, चलो कर लेते हैं जल्दी, टाइम बना हो वेस्ट, रहने देते हैं। पहले अपन को मदरबोर्ड को निकाल लेना था अच्छे से, फिर लगा लेना था, क्योंकि वोट क्या करें यार, उसको भी ज़रूरी है मदरबोर्ड को इंस्टॉलेशन करना। ठीक है भाई रहने दो, ज़्यादा अंदर नहीं करते, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा बहुत ज़्यादा। चलो 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 चलो, गो 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 फास्ट। उसके नेटवर्क तो सीन हो गया ना, ये भी नहीं है तो पहुँचे भाई, यही तो है ये टॉप में लगने वाले। हो गया हो गया, लग गया लग गया लग गया। चलो ये तो लगा दिए अपन ने, बाकी इसको देखना पड़ेगा। ओके बहुत लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तक डिफिकल्टी हो रही है। तो एक चीज़ हो रहा है कि अपने रैम वैम और अच्छे से बच जाए तो दिक्कत ना हो। चलिए अब बात आती है, ठीक है चलिए अपना अब बात आती है प्रोसेसर्स में फैन वो लगाने का, पेस्ट लगा देते हैं लगा दिया, बाकी इसको अच्छे से कर लूँगा मैं एडजस्ट टाइम पे। सो इसके साथ ही कूलर मास्टर AIU 240mm के साथ अपना ये कूल लिक्विड वो पेस्ट आया है, क्रू फ्यूजन का वर्जन 2.0 नहीं है, इसमें 1 वर्जन ही होगा। ठीक, इसी पेस्ट को थोड़ा सा लगा देते हैं अपन। ओके अब इसको इतना ही नहीं लगाएंगे, मैं सोच रहा हूँ इसको अच्छे से फैला दूँ जिससे कि ये लग जाए। ओके तो क्लिप्स मेरी ये है, ठीक तो इस क्लिप से कर देते हैं हम अच्छे से, क्योंकि पेस्ट लगाना ज़रूरी अच्छे से है, उसमें टाइम लग जाता है बहुत। और पेस्ट लेंगे थोड़ा। और पेस्ट लगा देंगे थोड़ा, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, पेस्ट थोड़ा ही सा ही है बिल्कुल। क्या है ये जो पेस्ट इसके साथ प्री आया है, मैंने कहा इसी को लगा देंगे अपन, क्योंकि पता चल जाएगा। ये लिक्विड नहीं हो रहा पेस्ट है, चल में ये अलग पेस्ट है इसका, है ना। ठीक है बाकी एक आधा बचा हुआ है तो इसमें भी लगा सकते हैं।
देखते हैं अपन, मेल्ट नहीं हो रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है इसमें पेस्ट, जैसा भी लग रहा है लग जाने का। बाकी ये कहो अच्छे से लगा लिया, फिटिंग करना था अपन को, ये पेस्ट अपने इसके साथ लग गया। ठीक है, ये कूलर मास्टर का पेस्ट है भाई कंपनी का, तो ये अलग ही आया है, क्या पता रखे रखे हो जाते ना इसलिए। ठीक है, चलिए अब अपन इसको इंस्टॉलेशन कर देते हैं इस टाइप में, ये इस टाइप का हो रहा है बाकी इंस्टॉलेशन। इसी टाइप का होगा बाकी, ठीक। मुझे करना था इस टाइप में सेव हो जाता थोड़ा, क्योंकि इसमें होगा नहीं, वो ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा मूव करेंगे ना तो ये पाइपलाइंस डिस्टर्ब ना हो जाए, रहने देते हैं भाई जैसा भी है हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये वाले नट बोल्ट्स जो कि इसके साथ फ्री आते हैं, वो ये अपन कर लेते हैं। ये 4 नट बोल्ट्स आएंगे ना स्क्रू वाले, इसको भी इस टाइप में लगा देंगे, इसको भी इस टाइप में लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक ये हो गया, एक और है वो क्या अपन कल क्लिप नहीं लगा पा रहे थे अच्छे से, इसलिए ज़्यादा ही टाइम हो गया वेस्ट। बस इसके बाद अपन को रन करके विंडो चेक करना है, फिर नहीं इसके बाद अभी तो क्या ऑफिस कार्ड और ये पावर सप्लाई, फिर कनेक्शन, फिर विंडोज लगेंगे, बहुत सारा काम है लगता है अपन को, हो नहीं पाता भाई इतना। चलिए ये अपना हो चुका है, इसको अच्छे से पेस्ट लगा दिया है, अब कुछ नहीं होगा है ना, और जिससे कि कूलिंग बनी जाएगी। अब बात आती है अपना किस पार्ट्स का, ग्राफिक्स कार्ड, तो उससे पहले कि अपन ये कंपोनेंट जो रहते हैं ना अपने जी इंस्टॉलेशन वगैरह, तो ये लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ग्राफिक्स कार्ड लगा देंगे, क्योंकि ये केबल मैनेजमेंट में डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। ओके, आईडियो वाला सेक्शन है, तो ये गाइस देख लीजिए, ये तो अच्छे से लग गया, ये भी अच्छे से हो गया। आईडियो वाला सेक्शन है, आईडियो का अपना इधर लग जाएगा, जो कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, आईडियो का सेक्शन आपका इधर आईडियो सेक्शन लग गया है। ये फ्लैश बटन भी दिया है बायोस के लिए, अच्छी बात, क्योंकि कोई कोई मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो वो वो प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए यूएसबी वन है, तो यूएसबी वन इधर लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिए। अब बात आती है आपकी फ्रंट के कनेक्शन पावर स्विचिंग, तो भाई उसके भी मैंने देखे हैं, अभी बताता हूँ। ओके, एक मतलब केबल मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, और जो कि अपन को यूज़ में रहती हैं, मैं इधर से अंदर से निकाल के कर देता हूँ। यूएसबी है, यूएस थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से हो जाएगी। ये निकल गया आपका पावर कनेक्शन, ये है आपका आईडियो, आईडियो कनेक्शन, और ये है आपका यूएसबी के लिए। ठीक, ओके 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 ओके। एंड इसके साथ एक और चीज़ है, ये है यूएसबी 3.0, और इसको भी कनेक्ट करेंगे, तो इसको अपन निकल से
पीछे से नहीं, इसको फ्रंट है एड्री से निकालेंगे। ठीक, केबल्स वगैरह मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं यार, देखो तो पता चल जाएगा इंस्टॉलेशन करने में अपन को, ऐसे पता नहीं चल रहा है। ये क्या है मैनेजमेंट, ये रीस्टार्ट स्विच नहीं हुआ और कुछ हो गया, पता चल जाएगा निकल गया है। USB 3.0 ओके, तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो इसके लिए भी अपन पीछे से बैक साइड से कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। ओके, अभी तो बैक साइड से कर देते हैं, इससे भी पता भी ना चलेगा और अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक, USB 3.0 है ना, यस हो गया, USB 3.0 लग चुका है ऑलरेडी। चलिए अब बात आती है फ्रंट में अपना कनेक्शंस की, जो कि है IDO का, जैसा पहले करा था वैसे ही कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ये IDO है, IDO कर दिया मैंने। अब उसके बाद क्या दिया है, ये पता है रेडिएटर के बहुत सारे है ना, USB उधर से दिए हैं, पावर स्विच रीस्टार्ट, तो पावर और रीस्टार्ट का मैं कर देता हूँ। ये हो गया पावर का, आपको लगा देता हूँ जल्दी से जल्दी, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। पावर और पावर LED, पावर रजिस्टर, रिस्टार्ट के बाद दिया है आपको पावर LED प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसको भी अपन इधर ही इंस्टॉलेशन, जो फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं वो किस सभी कुछ आपको इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है आर्टिक्स, मतलब जो भी आपकी आर्टिक्स लगी रहेगी उसकी रेड कलर का डिनोटेड करेगा। ठीक, ये अच्छे से नट बोल्ट्स लग गए होते ना तो आज मैं इतना तो परेशान नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, केबल मैनेजमेंट बचा है यार और सारा कुछ, एंड ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड तो बहुत बड़ा है यार, ये परेशान कर देगा इसको पता। चलिए ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं, उसी के लिए केस को अपन ने अपडेटिंग किया है क्योंकि अपडेटिंग पूरा हुआ है PC तो वैसे। ओके, ये ग्राफिक्स कार्ड है अपना, इसको निकाल लेते हैं। RTX 3050 है और सुपर कार्ड है, बाकी तो गेमिंग एंड परफॉर्मेंस में इसके यार मैंने बेंचमार्क वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह सभी कुछ बनाया हुआ था, आप बाकी देख सकते हैं भाई है ना, चैनल को जाकर। ओके, चलिए इसके ब्लैक प्लेट्स वगैरह देख लीजिए, बहुत सुपर लगती हैं। और HDMI पोर्ट्स है, डिस्प्ले पोर्ट्स है और DVI पोर्ट्स, इसको नहीं निकालेंगे, दो यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टी विंडोज के लिए है ना। अब इसके आगे साइड पैनल ओपन कर लेते हैं अपन और इसको थोड़ा ढक देते हैं अपन अच्छे से जल्दी से जल्दी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ, कुछ हो क्या,
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक कंपोनेंट को इंस्टॉलेशन करने के लिए, है ना। इसकी एक और प्लेट ओपन करेंगे क्योंकि इसको साइड से काट देंगे, ठीक है, एरो करके थोड़ा। चलिए हो गया रिमूव, अब कार्ड लगा देते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। बस कार्ड इधर तक आ सकता है, बाकी थोड़ा और आगे आ जाओ, नहीं तो देखते हैं। इसके लिए इसको निकालना पड़ेगा, ये इसकी 3.0 मैं कह रहा था कि इसके लिए अलग वही सब स्पेस चाहिए, बहुत बहुत बड़ा कार्ड है ये। ओके, मैंने लगा दिया एकदम से, वैसे लगा है तो लगा रहने देते हैं। अब ये अपन कार्ड लगा के देखते हैं क्या होता है। इसको ओपन कर देंगे क्लोज से ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे, इसको क्लिप देखना पड़ेगा मुझे। ये सब PCI 4.0 है वैसे, ठीक है, जो कि आपको सही रहेगा। ठीक है, लग गया होगा आई थिंक, फर्स्ट टाइम है ना इसका, फर्स्ट टाइम के हिसाब से फर्स्ट स्मूथनेस ब्लेक क्लिप रहती है PCI एक्सप्रेस, जिससे कि ये लग चुका है ना। ठीक है, अब क्लिप अपन वैसे क्लोज भी कर सकते हैं। ये हो गया, अभी RGB लाइट चलती है, बाकी इसमें भी चलती नहीं थी पहले भी अपन ने चेक की थी। चलिए कार्ड लग चुका है, अब इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं, दिक्कत ना हो जाए। ओके, अब इसके बाद ये वाला इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अपन पास। इसमें इतना बड़ा कार्ड है ये कि इंस्टॉलेशन तो हो जाता है, तो ये तो इसको कर लेते हैं जल्दी से जल्दी कनेक्ट। अब पावर सप्लाई और लगाना है, ठीक है, दोनों साइड अच्छे से है, पावर भी दिया है, ये भी लग गया, ये भी लग गया है, सभी कुछ हो गया है इंस्टॉलेशन, तो ये गिरेगा नहीं, ये फंसा हुआ भी है। एंड 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 अब मुझे ये पावर इसको देना पड़ेगा ना, लिक्विड कूलर को, ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए SMPS लगाएंगे मुझे ना, हाँ बहुत लंबी होगी। चलो भाई, चलो SMPS लगाते हैं, बहुत लंबी हो गया है। चलो देख लीजिए इधर से, लग गया कार्ड, है ना। ओके, ठीक है, रेड कलर के साथ कॉम्बिनेशन गेमिंग का है, अभी पता चलेगा, चालू करेंगे तो और सुपर लगेगा। इसके लिए पावर सप्लाई ऑन करेंगे और इसको कस देता हूँ मैं, इससे कि बार बार ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। ओके, चलो फाइनली बचा हुआ है थोड़ा बहुत ही, जिससे कि मुझे टाइम ज़्यादा लग गया है। अब बताती है बैक साइड, तो बैक साइड में इंस्टॉलेशन अपना ये करेंगे कि SMPS, सो पावर सप्लाई कूलर मास्टर की 550 वाट है और बहुत सुपर गेमिंग के हिसाब से मैंने इसलिए सिलेक्ट की कि UPS जो है वो 550 वाट है, 750 वाट 600 वाट तक का सपोर्टेड कर लेता है, इसलिए 550 वाट के CPS से बैटरी बैकअप रहेगा, जिससे कि सपोर्ट हो पाएगा, है ना, क्योंकि अगर 750 वाट या 650 वाट यूज़ करते तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता। ओके, इसको भी रख देते हैं, SMPS इंस्टॉलेशन देखते हैं, इधर कर देंगे बैक साइड से, इसको भी निकाल देते हैं।
टॉप में अपना ये रेडिएटर हो गया है, ये वाला रेडिएटर हो गया है टॉप में, ठीक है, अच्छा है बाकी सब ठीक है जैसा भी है। तो ये अब आती है बात आपकी जो है SMPS है ना, तो SMPS को इंस्टॉलेशन करना है, इस टाइप को करना है इंस्टॉलेशन, ठीक ओके। अब मुझे एक डाउट लग रहा है कि जो भी अपन कर रहे थे ना, यह इसको निकालना पड़ेगा, वो क्या नीचे से अपन ने कनेक्शन किया था आईडियो वाला, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया इसका। इसके केबल्स निकाल लेते हैं पहले, फिर करते हैं। ये केबल्स में यही डिस्टर्बेंसिंग हो जाती है, कहाँ क्या लगना है लास्ट में। अपन ने इंस्टॉलेशन USB पोर्ट लगाया है ना, उसी वजह से तो ये सब हो रहा है। अभी लग चुका है SMPS अच्छे से, क्योंकि पहले कनेक्शन में वायर वगैरह कुछ तो वही बॉक्स में होंगे, पन्नी में निकालना पड़ेंगे। 4 स्क्रू हैं ब्लैक कलर के, हो गए ये स्क्रू है इसके, SMPS स्क्रू है ये, ये भी लगा देते हैं फास्टली। और इसका केबल मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चल पाता कि कहाँ कैसे क्या है लगाना है केबल्स को, स्पीडली और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। के ये जो है ना USB पोर्ट अच्छे से नहीं लगा हुआ है, ठीक है ठीक है, ये सही है, फिट हो रहा था, नहीं मैं चेक कर रहा था। चलिए, बहुत बड़ा काम है, अब सबसे बड़ा काम ये है कि केबल मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है, इधर से पार्ट से होने वाला काम ये केबल मैनेजमेंट, बहुत सारी केबल करते रहो मैनेजमेंट। PCI ग्राफिक्स कार्ड CPU, इसमें सभी के केबल्स हैं जो कि पता चल पाएंगे आपको, है ना। मदरबोर्ड की है, ग्राफिक्स कार्ड की है, मदरबोर्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड की तो आप इधर से ही निकाल सकते हैं, ये है टाटा की है, ये ग्राफिक्स कार्ड की पोर्ट है, तो इधर से निकाल देते हैं, तो ये ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आता है मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का लॉगिंग, चलिए फ्रेंड से देख लेते हैं। टाटा पोर्ट है कि पेरेंट पोर्ट, आपके PSP पे फैंस हैं उसके कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, अगर एक ही पोर्ट से पूरे ही हो जाए तो फिर गाय को अपन इतना डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। जे भी हो गया, डाटा कनेक्शन हार्ड डिस्क में हो जाएंगे दोनों, और चलिए इसके बाद पीछे का रहेगा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी बात है, बहुत खतरनाक गेमिंग कैबिनेट। तो ये आपका हो जाएगा ग्राफिक्स कार्ड, अब मुझे चाहिए है CPU का देख लेते हैं, रुक जा मिल जाएगा। CPU का तो बैक साइड आ रहा है यार, पूरा पीछे की ओर आ रहा है, रुको रुको रुको, टॉप में है, टॉप में
एक्सपीरियंस हो रहा है। ये टॉप में हो रहा है, टॉप में हो रहा है, और साइड में हो रहा है आपका ये ATX, ये हो गया, ठीक है, ओके। बहुत ऊपर नीचे हैं यार स्विच, बहुत सारे स्विच हैं, समझ नहीं पा रहा मैं, क्योंकि कंट्रोलिंग अलग ही अलग है ना इन सबके। सबसे पहले CPU फैन है, तो CPU फैन केबल मैनेजमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके चलिए, बस जल्दी हो गया गाइस, बहुत टाइम लग गया, इसको पैक कर दूँ पहले मैं, उसके बाद फटाफट इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, अभी तो स्टार्ट ही। चलिए अब अपन केबल्स लगा लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही हो गया पूरा। केबल मैनेजमेंट में अपना ये ग्राफिक्स कार्ड का पावर तो लग चुका है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके ये सब तो अपन कर लेंगे अभी छोटे छोटे, पहले मेनली अपन को पावर देना है तो वो कर लेते हैं। इसके लिए ये ऊपर का टॉप का ओपन कर देंगे, जिससे कि रेडिएटर ऊपर लग जाएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लगता है अपन को करते जाओ करते जाओ, हो नहीं पाती एकदम से। और इधर से अपने ATX पावर पिन लग रही है तो वो लगा देते हैं। ATX की पावर पिन अपन ने लगा दी है, ठीक है, ये वाली। अब बचती है CPU की CPU की लगा देते हैं, उसको अपन ओपन कर लेंगे फिर आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ यस, मैंने कहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, मुझे पता। ओके ये जो है ना अपना पावर कनेक्शन है CPU का, ये वाला 8 पिन, तो वो लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लगा देंगे भाई, एंड 8 पिन कनेक्टर, डिफिकल्टी है थोड़ा। ये यार वो निकल रहा है क्या, ये भी लग गया। चल ये भी हो गया। अब मुझे इधर से एक चीज़ और याद की, इधर से ये और कर लेते हैं कनेक्शन, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे भैया। ये वाले कनेक्शन, CPU फैन वाले भी कर लेते हैं। ये है अपने CPU फैन, अपना ये है लिक्विड कूलर मास्टर का 240 mm, तो CPU फैन अपना ये है। ओके इसमें अपन CPU फैन इंस्टॉलेशन कर देते हैं। ओके तो ये होगा नहीं, अपन रेडिएटर लगा देंगे, तो इसलिए ओके हो गया है। इसके बाद बचती है बात बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, चल मैं पावर देने की बात, तो पावर अपन इसको दे देंगे एक अलग इससे डायरेक्ट, और उसके लिए ये पावर कनेक्शन केबल ये दिया है, तो ये लिक्विड कूलर वाला इंस्टॉलेशन कर रहा है अपन अब है। तो गाइस सिस्टम फैन का चल रहा था, और अपना सिस्टम फैन के पहले अपन ने ये पावर पोर्ट को लगा लिया था CPU फैन के बाद अपना सिस्टम फैन जो कि लिक्विड कूलर के हैं, ये केबल मैनेजमेंट।
तो ये भी अपन लगा लेंगे। तो उससे पहले कि मैं कहना चाहूँगा कि सिस्टम फैन वन है जो अपन कंट्रोलिंग करेंगे, ये इसको अपन इधर से लगा देते हैं। ठीक, ओके। सो गाइस, सिस्टम फैन अपन ने लगा लिया है जी, जिसके कंट्रोलर से पावर निकल जाएगी। कंट्रोल कर लेंगे सिस्टम फैन वन और फैन टू, जो कि सिस्टम फैन अपने चैम्बर फैन कहलाएंगे। चलो अब लगा देंगे इंस्टॉलेशन पे अपना लिक्विड कूलर। कूलर ही है तो पूरा अच्छा है, इसी में टाइम हो रहा है, ज़्यादा ही इससे ज़्यादा लग रहा है, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। इसी का फैन कंट्रोलिंग हो जाता ना तो क्यों तब परेशान हो रहा है। तो मैनेजमेंट इसका एक ये हो गया, ठीक है। अब इनके पावर जो रहेंगे, सॉरी गाइस छुआ तो नहीं वो आपका फंसा होगा, सबका पावर एक दो कनेक्टर में चला जाएगा। ओके, तो ये पीछे से बैक से कनेक्शन हो जाएंगे। केबल ही करने में तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। चलिए, हो गया केबल का मैनेजमेंट भी, सिस्टम समझ में आ गया पूरा। ओके, चलो इसको कस देते हैं पूरा मास्टर को। चलो अब तो ये भी नहीं गिरेगा, अब ऊपर से बैक साइड से निकाल लेते हैं केबल्स, ठीक है। केबल निकालना है और कनेक्शन करना है, सिटी ऑन हो जाए अच्छे से। ये केबल साफ निकल गया है, इसमें एक इसका इसमें चला जाएगा कनेक्शन, और एक इसके कनेक्शन आपके इसमें हो जाएगा सीपीयू फैन का। अब इसके बाद पावर हो गया है, मैनेजमेंट हो गया है, हम सबको देने के लिए ये है कन्वर्टर जो कि अपना पावर देने के लिए, ठीक है। बट इसमें एक ही कंट्रोलिंग का पावर दिया है मेरे हिसाब से, सीपीयू फैन बचता है एलईडी लाइट का जो कि फंक्शन है पावर देने के लिए इसको, और मेरे हिसाब से क्लिप मिलिप भी आए थे ना इसका, और यूज़ देख लेता हूँ क्या है इसका यूज़। आपको इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए ज़रूर है, ठीक। ये मास्टर की तरफ से क्लिप्स, ये जो क्लिप्स हैं क्लिप्स आपको इधर लगाना पड़ेंगे जॉइंट्स के लिए, जिससे कि वो निकले ना। ओके, एक और क्लिप्स नहीं, दोनों क्लिप्स आए हैं, दो ही आ रही है। चलो भाई लगा दें कि अभी इसको अभी नहीं लगाते हैं और देखते हैं, तो दिक्कत ना हो जाए। अब बचता है इसका पावर, ठीक, सीपीयू। सो सीपीयू का भी यही पेन कनेक्शन बचा हुआ है, तो मैं इसको भी इधर से कर देता हूँ सर। ओके, चलो
इसका कनेक्शन बचा हुआ था तो मैंने कहा ये और कर दें बस, ठीक है। तो ये सीपीयू कनेक्शन हो जाएगा, ये वाला, ये अपना सीपीयू फैन हेडर का है और बाकी ये सिस्टम फैन उसकी रहेगी। चलिए और एक और क्लिप्स हो भी आ रही है, ये 3/3 क्लिप्स का। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। कूलर मास्टर का पूरा इंस्टॉलेशन कर लिया है और अब मुझे करना है इधर से इंस्टॉलेशन की है इन सबको पावर देने के लिए। चलो बैक साइड का पैक कर सकते हैं अभी, तो जरूरी नहीं है। बहुत टाइम बाद असेंबलिंग एंड ये किया हुआ है इसलिए तक टाइम लग रहा है, गलती नहीं लगता। इसको भी अपन पैक कर देते हैं इस टाइप से क्योंकि अब पैक करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लग गया टाइम में से। बस एक एक चीज़ है वो कि इंस्टॉलेशन में पता नहीं चल पाता क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब बताती है आपकी से एक ही नट बोल्ट से लगा हुआ है कि इसमें, ठीक है। अभी टॉप में अपन कर सकते हैं, टॉप में अपन ने एक नट बोल्ट से रेडिएटर लगा, अच्छे से फिट नहीं हो पाया था रेडिएटर, ओके अपन ने बहुत कोशिश की है ना। देख लेते हैं एक बार और करके क्यों नहीं हो रहा। ओके ठीक है, अभी एक ही लगा रहना तो इसको टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें इसको मैट लगा देते हैं। ये देखो ये मैट लग गया कंप्लीट, ये बटन है टॉप में पूरे ऑन करके भी देखेंगे फिर तो उसके बाद अपन विंडोज़ में मिलेंगे कि टाइम हो गया बहुत सारा है ना। बाकी सीपीयू फैन मैंने सभी कनेक्शंस कर दिए थे आई थिंक अच्छे से कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके ये सब के लिए अपन मैनेजमेंट बैक साइड से कर सकते थे बट वो थोड़े बहुत वायर दिख ही रहे हैं बैक साइड से है ना। चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले अपना क्या है आईडीओ, एचडी आईडीओ है इधर, एचडी आईडीओ HDIDU का सेक्शन गेमिंग IDU HD दिया है। इसके बाद USB फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद दिया है D-Lite है, यस D-Lite हैगा, यस जे लाइट जो पावर है जो अपन दे रहे हैं जिसको कूलर मास्टर के सीपीयू फैन को एलईडी लाइट कंट्रोलर पावर इसी से 3 कनेक्ट कर दिया है, बाकी इसी से देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं और दे देते हैं इसको लाइट, क्योंकि थ्री पेंस कनेक्ट हो जाएंगे। ये लो हो गया पावर, यूएसबी तो अपन ने सब फ्रंट वाले कर ही लिए थे कनेक्शन, ये सभी कुछ 3.0 यूएसबी कर लिया है कनेक्ट, और ये आपका रेडिएटर हो गया है, रैम हो चुका है और पावर सप्लाई एक ग्राफिक्स कार्ड का भी कर दिया है ना, और आपका सीपीयू फैन है,
सीपीयू फैन का लिए हैं रेडिएटर के और सीपीयू, और अब उसके बाद आती है जे, तो ये मुझे थोड़े इसको बैक साइड से कर लेना था इंस्टॉलेशन, तो और बेटर रहता। बाकी इसको अपन क्लिप लगा देते हैं जिससे कि कुछ ना हो, है ना, और अब ऑन करके देखते हैं क्या हाल है। ग्राफिक्स कार्ड में एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूँ लग गया कि नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड ऐसा है कि पता नहीं चल पाता ना सही से लगा के, ऐसे लग तो गया होगा। वीडियो लंबी हो गई, बहुत सारी लंबी हो गई, 2 घंटे की वीडियो पहुँच गई है। ओके डन है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके साथ फ्री आए हुए तो कैबिनेट के साथ वही वाले नट बोल्ट्स। कार्ड फैन चालू है, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। ओके पावर दिख रहा, बाकी हो गया कंप्लीटली। इसकी केबल है जो कि कूलर मास्टर की आई हुई थी, इसी SMPS को ऑन करके अपना इसी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो बोर्ड में लाइट आई है क्या? अभी नहीं आई है, चलिए ऑन करके देखते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण, वाह। सो ऑन हो गया है और फैन स्पिनिंग भी होने लगा है और RGB लाइट वगैरह बहुत सुपर लग रहा है ग्राफिक्स के साथ साथ ही। और ये भी फैन नहीं घूमता है इसका, जब हीटिंग होने लगता है तब घूमता है ये, ठीक है। और बाकी इसकी लाइट भी चल रही है कूलर मास्टर की AIO की, अच्छा है। अपन इसको ऑफ कर देते हैं और फिर ऊपर रख के देखते हैं। और इसकी लाइट जो है ना, इसकी लाइट जल नहीं रही है, इसकी CPU फैंस की इनकी। ठीक है, तो सब कुछ हो गया है, चलने लगा है। अब अपन को डिस्प्ले लगा के इसका फैन स्पिनिंग हो रहा है, सही चल रहा है सभी कुछ फैन, बट RGB कंट्रोलिंग लाइट नहीं जल रही है इसमें, और ये चेक करना पड़ेगा मुझे इन फैनों की लाइट क्यों नहीं चल रही है ना। बाकी तो फैन स्पिनिंग वगैरह अभी जो कूलिंग होगा तब चलेगा क्या, इसके फैन तब चलेंगे जब हीटिंग होता है, बाकी सही चलता रहता है। इसके परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है देखने से, तो RGB लाइट कंट्रोलिंग के साथ साथ है। ओके वाह भाई सुपर, XPG का कम रैम है तो वह लाइन भी बहुत सुपर लग रही है। एंड टाइम तो बहुत लग गया मुझे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया इंस्टॉलेशन में। मैं कहूँगा कि इसकी लाइट वगैरह का थोड़ा और सॉल्यूशन कर लूँगा, तो उसके बाद फिर अपन विंडो में मिलते हैं गाइस। और अगर इसके अपन वेंटिलेशन थोड़ा एक फिगर दिखा देता हूँ, इसका
इसका अगर मिरर लगा देंगे तो मिरर से भी ये अच्छा लगेगा। ओके ये देखिए इस टाइप का आपका लगेगा। वहाँ है इसके दो स्क्रूज, ये देखिए कितना सुपर लग रहा है अभी। ठीक, तो ये लुकिंग वाइज तो सुपर लग रहा है, बस इसकी इसके फैन वाली लाइट चलने लगते हैं, तीनों फैन फ्रंट के जब ऑन इस कैबिनेट के और बैक साइड के लाइट अगर जलती तो और अच्छा लगता कॉम्बिनेशन जो। बाकी आरजीबी लाइट्स है और बहुत इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ पा रहा अभी, लाइट्स रहेंगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट में लाइट नहीं दिल रही और ठीक है रहने दो। ओके तो गाइस अपन अभी विंडो के साथ मिलेंगे है ना, और सभी को रख लेते हैं सब बॉक्सों को, और इंस्टॉलेशन में टाइम लग गया, और फैन को भी अपन थोड़ा चेक कर लेंगे इन वाले को, क्योंकि इनमें लाइट क्यों नहीं जल रही वो चेक करना है। ठीक है, ओके सो गाइस, ओके गाइस, सो हेलो गाइस, सो अपना बाकी अपन ने चेक कर लिया है कैबिनेट में अपने जेब्रोनिक्स के आरजीबी फैन चेक कर रहे थे तीनों, तो बाकी वो भी कंट्रोलिंग नहीं चल रहा है, उनमें लाइट नहीं जल रही, लाइट डिमी हो रही है, तो वही प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अपन ने पीछे से मैंने मैनेजमेंट भी केबल कर लिया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत लंबी वीडियो हो गई थी कल की है ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि थोड़ा देर चेक करते हैं, आधे घंटे एक घंटे अलग से मैंने स्टॉप करके चेक किया पूरा वीडियो को, देखा तो भाई फ़ैन ये चल ही नहीं रहे थे। ठीक है, और एक बार और अपन ऑन करके मैं बता देता हूँ। ओके सो लाइट तो जल जाती है पूरे, बट ये इसके फ़ैन की लाइट नहीं जलती है। फ्रंट में 3 फैंस हैं 120 mm के, और बैक में 120 mm के फ़ैन है, तो ये सभी लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, बिल्कुल लाइट डिम जल रही है, और रैम की लाइट है और कूलर मास्टर के फ़ैन की लाइट चल रही है और हेडर की लाइट चल रही है। ठीक ठीक, तो बाकी इसकी लाइट और हो जाती सही रहता, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे, अभी तो अपन केबल मैनेजमेंट में आपको बता देता हूँ गाइस है ना, इसको भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, केबल मैनेजमेंट मैंने कर लिया था बैक साइड से, और फ्रंट में भी कूलर मास्टर अच्छे से लगा लिया है। सो ये केबल मैनेजमेंट अपन ने मैंने कर दिया है, बाकी बेटर ही तरीके से क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, और भाई केबल मैनेजमेंट काफ़ी हो जाता है, बाकी इस बार ऐसा ही है, केबल मैनेजमेंट में देख पा रहा होंगे आपके ये पूरे लगे हुए हैं, ये अपना पावर को ATX का दिया है, और ये पूरा CPU फैन का है, और ये आपका ATX24 फैन है, ये CPU फैन है, और ये इसके हेडर्स जो आपके कूलर मास्टर 240 mm का है उसी के वायरिंग कनेक्शन पूरा केबल पावर दिया है, और इधर से पूरा जिससे कि ये पता चलेगा। ठीक, और मैं ये कहूँगा कि मैंने इधर से नीचे वो डबल साइडेड टेप भी लगा दिया है जिससे कि दिक्कत ना रहे, और जिससे कि और दिक्कत ना रहे और चलता रहे सही। ठीक, इसका अपन थोड़ा लूज़ कर देते हैं वायरिंग को, क्योंकि अभी लगाने में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। ठीक है, इसके बाद मैंने कनेक्शंस की बात आती है, तो कनेक्शन मैंने अपने इसके कर लिए थे पूरे, हार्ड डिस्क वगैरह लगा दिया था इधर, पुरानी जो भी हार्ड डिस्क थी गई अपनी TV's की, तो वो हार्ड डिस्क भी लगा दिए थे, और केबल वगैरह सब कुछ अच्छा हो गया था। 550 वाट का कूलर मास्टर का V2 वर्जन का अपन मॉड्यूल नॉन मॉड्यूलर वाला यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओके, बाकी एक डाउट मुझे लग रहा है कि इसमें अगर अपन उसको पावर एफिशिएंस अच्छा मिल जाए तो इसके जो फ्रंट के हैं CPU फैन वो चल सकते हैं, बाकी पता चलेगा चलेंगे कि नहीं चलेंगे है ना। और ये बैक फ्रंट है, फ्रंट बैक साइड पैनल का अपना CPU का है। ठीक, तो ये सब अच्छे से है, बाकी कनेक्शंस अब कोई डिस्टर्बेंसिंग तो नहीं है, बाकी अब इसको लगा देते हैं। और इधर हार्ड डिस्क अपनी 1 TB की और 4 TB की लगी हुई है नीचे, तो आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए ये देखते हैं,
इधर हार्ड डिस्क मैंने 1 TB और 4 TB की हार्ड डिस्क को मेरा डेटा ट्रांसफर डेटा के लिए रहता है तो वो अपनी हार्ड डिस्क मैंने पुरानी लगा दी है और साटा केबल्स वगैरह सभी कुछ लगा दिया है। और बाकी CPU सिस्टम फैन अपन जबरन इसके केस को अपन बहुत ढूंढता रहा, मैं बहुत देखता रहा कि कुछ हो सोल्यूशन, तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, वो उसकी लाइटिंग जल गई थी उसकी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम रहा, बाकी मैं यही कहूँगा यार कि वो और हो जाता तो बेटर रहता, क्योंकि वो जब उससे लाइटिंग कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है ना तो पता लग उससे पता चल जाता कि अपना कैबिनेट कैसा दिखता है गेमिंग वाला RGB है ना। ओके सो ओल्ड कैबिनेट की जो अपनी हार्ड डिस्क थी वो अपन ने पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह सभी कुछ अच्छे से कर ली है, ठीक है। ओके अब ऐसा करते हैं, अब इसको लगा देते हैं जैसे पहले था वैसे ही, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके क्योंकि इसको लगाना ज़रूरी है अच्छे से, फिर अपन उसको इसको कनेक्ट करेंगे किसमें डिस्प्ले से, और फिर उसके बाद देखेंगे डिस्प्ले कैसी आ रही है। ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है RTX 3050, ओके अच्छा गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड है। बाकी और ये आपके फ्रंट में बैक में वही मैंने बताए थे जैसे मदरबोर्ड में बताए थे, अनबॉक्सिंग वीडियो अलग भी है और कल भी मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी बताई थी, HDMI DV पोर्ट और USB 3.0 और इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन दोनों है, ठीक है। चलिए तो भाई जल्दी से अब एक चीज़ और बताना था, तो वो था इसका इंस्टॉलेशन। तो ये है वाईफाई वाला इंस्टॉलेशन, तो ये भी अलग से मैंने निकाल लिया था अभी मदरबोर्ड के बॉक्स से, ये बता दूँ कि कैसे क्या करना है, तो इसको भी अपन लगा देंगे, ठीक। तो भाई इसको लगाने के लिए कुछ नहीं है, ये जो टू है स्क्रूज, इसके टू स्क्रूज इसमें कस लेंगे, ठीक, जिससे कि अब इसमें कोई पहचान तो पता नहीं चल रही है कि वाईफाई का किसका है और किसका उसका है, ठीक है। और ब्लूटूथ का दोनों का है अलग अलग, बस एक ही कनेक्शन से भी कर देंगे तो दोनों से एक कनेक्शन कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक। 1 मीटर की केबल आती है लेंथ समथिंग, और इसको एकदम अपन इसको ऐसा कस देंगे, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा कि अपना वाईफाई जो है रिसीवर ले लेगा हॉटस्पॉट ऑन मोबाइल करने से, या फिर आपके जो भी ब्रॉडबैंड लगा रहता है एयरटेल जियो का वो कनेक्ट हो जाएगा, और ये इस टाइप का स्टैंड भी बन जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं अपन इसको रख लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्ले दिखाएंगे ऑन करके, और फिर अपन एक चीज़ और करते हैं, वो है अपना क्या, वो है आपका इंटेल का प्रोसेसर के साथ जो बॉक्स में आता है आपको, मुझे और याद आया एक और चीज़, वो है ये स्टिकर, जो कि प्रोसेसर कौन सा सीरीज का है वो पता तो चले। तो भाई इंटेल कंपनी का प्रोसेसर है और इंटेल कंपनी की अपन चिपसेट्स लगा देंगे इसको इधर पे, क्योंकि जहाँ यूज़ ज़्यादा होता है उधर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर मैंने इसलिए लगा दिया कि टॉप में अच्छे से दिखेगा, इधर वेंटिलेशन के लिए रहेगा, तीनों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके चलिए भाई तो अपन कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अभी कनेक्ट करके मॉनिटर को, और फिर मॉनिटर कनेक्ट कर लेते, ठीक है। ओके सो मॉनिटर अपन ले आए हैं, और अब इसके बाद वाईफाई रिसीवर जिस साइड भी कर सकते हैं इसको तभी रख जाएगा, इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं, है ना। और मॉनिटर कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उधर से अपन चेक करेंगे, ठीक है। ओके ये मॉनिटर आ गया है, इसमें कनेक्शंस कर लेंगे जो कि पता चलेगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है, जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं HDMI केबल से, क्योंकि HDMI केबल से अपने पास जब DP केबल्स नहीं है HDMI से कर लेते हैं, ठीक है। HDMI से कनेक्ट करके इसको नीचे से अपन इसको पावर दे देंगे, और अपना CPU का पावर है ही ऑलरेडी,
ऊपर चेक करेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको डिस्प्ले को भी पावर देना पड़ेगा भैया, क्योंकि बहुत सारी लेती हैं, पता नहीं चल पाता है। डिस्प्ले को पावर देने के लिए ये है, ये केबल है, इस केबल से पावर दे देंगे डिस्प्ले को। केबल मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि उसमें भाई जो ठीक करना है तो करना तो पड़ेगा ही। सो गाइस, अपन ने लगा लिया है केबल मैनेजमेंट के साथ साथ इसको एलईडी को पावर भी दे दिया है और इनपुट भी लगा दिया, आउटपुट मतलब डिस्प्ले भी लगा दिया एचडीएमआई पोर्ट और इधर से दे दिया है अपन ने डिस्प्ले पावर। ठीक है, अब अपन इसको ऑन करके देखेंगे क्या होता है, तो पता चलेगा। ठीक है, ओके चलिए ऑन करते हैं जय श्री गणेश। सबसे पहले तो इधर से ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर दिया है और नीचे से भी डिस्प्ले कभी मुझे ऑन करना पड़ेगा। सैमसंग और डीसी इसकी वीडियो भी देख लेना, पहले कर दी थी मैंने, आई थी। ठीक है, अभी HDMI आ रहा है क्यों, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। फर्स्ट से नहीं आया, सेकंड से देख लेता हूँ। ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है, बाकी डिस्प्ले का इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि कार्ड जो है ना, कार्ड में अच्छे से डिस्प्ले नहीं लगी होगी इसलिए। ठीक ठीक है, रुक जाओ ज़रा, इसको थोड़ा हमें अच्छे से एडजस्टेबल करना पड़ेगा। कार्ड में जो है ना, पोर्ट अच्छे से नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले दे नहीं रहा है। बहुत सुपर हो गया, बाकी डिस्प्ले दे क्यों नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, न्यू मॉडल बोर्ड आता है ना तो पता नहीं चल पाता क्या है क्या नहीं है। आ गया। टैंक सेकंड पॉइंट है गाइस, बाकी थोड़ा लग रहा था डिस्प्ले आएगी, बस पोर्ट कनेक्शन इशू था, पीछे से अच्छे से नहीं लगाया था, बाकी वो सुपर रहा। आइडिया लगाना पड़ता है भाई, क्योंकि कनेक्शन जब अपन इंस्टॉलेशन कर रहे थे कि पीसी को पूरा सीपीयू में, तो ग्राफिक्स कार्ड पर अच्छे से निकल दिया था, बट उधर पोर्ट के लिए गैप नहीं छोड़ा था, जिससे की वजह से डिस्प्ले नहीं आ पाई। तो डिस्प्ले आ गई है और अपन अब भाई विंडोज़ के साथ मिलेंगे इसके बाद। और क्या है बाकी, तो सब चीज़ें हैं, गेमिंग का आ गया है वर्ज़न,
और सुपर है बाकी कॉम्बिनेशन तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। ओके ओके, 3 पॉइंट कितने गीगाहर्ट्ज़ बता रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस बता रहा है अभी का। अब वो अंदर पैक्स है ना, B760 का मदरबोर्ड है, देख सकते हो आप उसे पूरा स्पेसिफिकेशन। ये B76M GSC गेमिंग और F15 वर्जन का है आपका BIOS वर्जन। CPU है 12th जनरेशन इंटेल कोराई 5 12400F, 32 GB रैम है, माइक्रो कोर 2E है और DDR5 की 1648 MHz बता रहा है। वैसे ओवरक्लॉक में 52 होगा, मैंने अपन ने तो 5200 MHz की थी, 48 MHz बता रहा है, ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। और DDR5 ऑटो बूस्टर ऑन इनेबल, लो लेटेंसी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं तो BIOS में ना। एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी लुकिंग वाइज सही है, बट वैसे इसकी CPU फैन की लाइट जल जाती तो बेटर रहता भाई, इतना प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं चल पाता। ठीक है, ओके, सो गाइस अपन बाकी PCIe एक्सप्रेशन तो उसी की HWD 42000 की आपकी 4 TB की हार्ड डिस्क लगी है इसमें, शो कर रहे P4 में बोट में PCIe X16 4.0 का X8 में ग्राफिक्स कार्ड है अपना जो कि लगा हुआ है RTX 3050 GB का, और ADATA Legend 960 NVMe की 1 TB की SSD है। ठीक है, बाकी बहुत सुपर है, तो ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा है। और अब इसके साथ ही अपन भाई विंडोज़ में मिलते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और विंडोज़ की वीडियोज़ तो मैंने बना चुकी है पहले भी, बहुत देख लेना मेरे चैनल पर जाके और पता चल जाएगा जिससे कि आपको है ना। और गाइस बीच बीच में लाइक करते रहा करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों को, शेयर करो वीडियोस है ना। तो विंडोज़ में ऐसे अपन सभी इंस्टॉलेशन कर लेंगे विंडोज़ को, फिर ड्राइवर वगैरह इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर अपन अपना देखेंगे लुकिंग वाइज कैसा लगता है। ठीक है, ओके गाइस, सो ठीक है, सो गाइस अपन आ गए हैं बाकी विंडो की तरफ। और मुझे इसमें 1 से 2 आवर्स लग गया क्योंकि इंस्टॉलेशन में मुझे 30 मिनट से 20 मिनट्स हो गया था। विंडोज 11 डाल लिया अपन ने है ना अपने इस PC पे, और उसके बाद ड्राइवर्स डाले अपन ने मदरबोर्ड्स के, फिर इसके NVIDIA ड्राइवर्स RTX 3050 के ग्राफिक्स ड्राइवर डाले। ठीक, तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ हो भाई, कंप्यूटर अपन ने PC CPU को बिल्ड किया तो इसमें अपन को टाइम तो लगा ही, साथ साथ फिर सॉफ्टवेयर में भी टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये जो LED है, ये अपने पुरानी LED जो थी सैमसंग की, वही LED थी जो अनबॉक्सिंग की थी अपन ने 240Hz की सैमसंग की गेमिंग LED जो रिस्पॉन्स टाइम 1 मिली सेकेंड से इसका। ठीक है, वही है, बाकी बहुत अच्छा लुकिंग वाइज लग रहा है। विंडोज़ 11 ही डाली मैंने, कहा लेटेस्ट विंडोज़ डाल लेते हैं अपन जिससे कि अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग एंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग है ना। तो भाई चलते हैं अपन, देखते हैं और कैसा रहेगा बाकी इसके स्कोर्स वगैरह से मैंने देखे थे अभी, क्रिस्प PC से इंडेक्स से निकाले थे तो वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले अपन इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी विंडोज़ 11 है तो एक्टिवेटिंग कर रहे थे तो अभी एक्टिवेट में भी नहीं हो पाया, बहुत देर तक करते रहे, 30-40 मिनट में एक्टिवेट में लगे गए मगर एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, एंड स्पीड की बात की जाए तो हर्ट्ज़ अपने 240Hz में है तो अच्छी परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी बाकी अपन गेमिंग एडिटिंग में। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई अपन देख लेते हैं, आपको मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ माय कंप्यूटर की, एंड माय कंप्यूटर निकल नहीं रहा है क्योंकि, और इधर पे मैंने एक कीबोर्ड माउस लगा लिए थे ये वाले फॉक्सन के, और एक प्रोडक्ट वगैरह के मैंने, और ये अपना वाईफाई एंटीना लगाई होता रिसीवर जो कि ब्लूटूथ वाईफाई प्लस ब्लूटूथ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही चल रहा है अपना, मुझे 2 आवर्स ही लग गया है समथिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ही, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर रहते हैं यार इसके, कह सकता हूँ मैं, फिर उसके बाद ही हो पाता है सभी कुछ। मैंने कहा विंडोज डल जाएगी फिर उसके बाद अपन, विंडोज़ के बाद अपन बनाएंगे वीडियोस। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं चलना है, कंट्रोल ई विंडो ई दबा देते हैं तो आ जाएगा। ठीक, आ गया आ गया। चलिए, तो बाकी स्पूट से ओपनिंग हो रहा है। सी ड्राइव मैंने 1 TB की बना दी है क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह करना पड़ते हैं उसी के हिसाब से। ओके, चलिए भाई, तो सी ड्राइव हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखते हैं हमारे कंप्यूटर
तो इंटेल कंपनी अपन ने कर दिया था सिर्फ इंटेल V76M गेमिंग AC मदरबोर्ड से। ओके, आप देख पा रहे होंगे, बाकी देख लीजिए थोड़ा। और इधर से डिवाइस स्पेसिफिकेशन दिया है, कॉपी कर सकते हैं। और डिवाइस नेम इंटेल है, 12th जनरेशन प्रोसेसर, 12th जनरेशन i5 12400F 2.5 GHz है। और इंस्टॉलेशन रैम है 32 GB एंड 31.8 GB यूजेबल में जा रहा है, और 200 GB कुछ समथिंग उसमें हो जाता है फिजिकली, ठीक। और इसके बाद स्टोरेज कैश में हो जाता है समथिंग। ID दिया है इस पर, जितना नॉर्मली इस विंडोज़ के साथ हो जाती है, प्रोडक्ट ID है विंडोज़ से। और ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर अपना 64-bit है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स OS पेंटस नो है, ठीक है। एंड अब विंडोज़ की बात कर लेते हैं, तो विंडोज़ अपना है 11 प्रो यूज़ कर रहे हैं अपन, मैंने डाला है। बाकी 23S2 वर्जन दिया है, 29.05.24 को इंस्टॉल्ड है, मतलब बता रहा है ये, ठीक है। अभी की लेटेस्ट मतलब एक आगे की डेट ही बता रहा, बाकी आज की डेट क्या 28 बता रहा था, ठीक है। OS बिल्ड अपना दिया है 22X, ये मॉडल नंबर 22633.35 3593, ठीक है। ये सब चीज़ें, ओके, ये सब तो हो गई जनरल चीज़ें। और ब्लूटूथ हो गया, और बाकी और भी चीज़ें हैं सब कुछ है। अलग से ब्लूटूथ एडाप्टर नहीं लेना पड़ेगा। और अपडेटिंग वगैरह मैंने असेंबल्स कर लिया था, और अपडेटिंग भी कर चुके थे, रिज्यूमिंग अपडेटिंग बता रहा है, तो इसको अपन ऑन भी कर देते हैं, अभी चलता रहेगा बाकी, ओके। अब इसके बाद चलते हैं अपना सी ड्राइव। तो सी ड्राइव अपन ने बनाया हुआ है समथिंग 1 TB का M.2 का, जो कि एडाटा की 1 TB है, ठीक है, जिसकी रीड एंड राइट मेमोरी 7000 के अबाव है, ओके। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपना एक और चीज़ है, वो है कि ग्राफ्स। तो टास्क बार में चलते हैं, और टास्क मैनेजर में सॉरी, और इधर से चलेंगे ग्राफ। तो ग्राफ देखेंगे CPU का कैसा ग्राफिक चल रहा है, मतलब लोड ले तो नहीं रहा है, बाकी मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं चलाते चलाते आप, तो और ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ा। और टेम्परेचर मेरे हिसाब से कूलर मास्टर का अपना ये लगा हुआ है, तो इससे 50 या 60 तक कूलर हो रहा है डिग्री सेल्सियस हीटिंग, जो भी प्रोसेसर उससे ज़्यादा अबव नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। और RGB कनेक्शन के लाइट वगैरह सभी कुछ ले लिए अपन ने, जिससे कि कोई प्रॉब्लम, RGB के सॉफ्टवेयर इसके सभी को इंस्टॉलेशन कर लिए, जिसके ऑटोमेटिक ही कंट्रोलिंग हो रही है, रिस्टार्टिंग रिस्टार्ट करने में भी अलग लाइट चेंज हो जाती है, ठीक। तो अब CPU का देख लेते हैं, फिर अपन रिस्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। CPU ये ले रहा है अच्छी एक्टिविटीज, अच्छा है 12,064 और 12 हर्ट्ज के साथ आता है। मेमोरी DDR5 की 32 GB बहुत कहलाती है गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए सभी को से। डिस्क SSD है ए डाटा की 90% और 10 से कुछ मिली सेकेंड्स वगैरह, 7 Mbps/s और 10 Mbps/s का बता रहा है। इंटरनेट में कितना आ रहा है, 0 KB अभी इंटरनेट अपन यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहा है इसलिए। एंड GPU पे थोड़ा ही लोडिंग 3D में हो रहा है, इधर RTX 3050 8GB वेरिएंट वाला है DDR6 का OC वर्जन, ठीक। PCI Express 4.0 पे चल रहा है, ठीक। चलिए भाई, इसके बाद आ जाते हैं अपन, एक और चीज़ है मुझे बताना था, माई कंप्यूटर में चलते हैं, स्टार पे चलते हैं और डिवाइस मैनेजर देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा पता चलेगा कि अपने अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, ये क्या, अच्छा ये वार्निंग आ रहा है कि मैंने देखा नहीं, अभी देखा, चलो देख लेते हैं, वो तो अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। इंटेल कंपनी का पर रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखो इधर से IDO भी सही है, ब्लूटूथ भी इंस्टॉलेशन है, IDO कर लिया था अपन इंस्टॉल, ब्लूटूथ इंस्टॉलेशन कर लिया, कंप्यूटिंग में कर लिया था GigaByte टेक्नोलॉजी, डिस्क का इंस्टॉलेशन एडाटा है, और डिस्प्ले ड्राइवर NVIDIA GeForce RTX 3050 है, और फ्रेम है, एंड फ्रेम के बाद दिया है ह्यूमन इंटरफेस है, जो भी अपन के इनपैड्स वगैरह लगाते हैं उसके इनपुट ड्राइवर्स वगैरह सब इंस्टॉलेशन है डाटा की है। और ID स्टैंडर्ड SSL कीबोर्ड की SDY दिया, माइक दिया HDB और मॉनिटरिंग जेनेरिक मॉनिटरिंग ओडिसी G4। तो अपनी जो सैमसंग मॉनिटर है उसका मॉडल नंबर G4 सैमसंग गेमिंग ओडिसी G4 है सीरीज़ की, ठीक है।
25 इंच का 240 हर्ट्ज में, ठीक है। वैन लेंस अभी कुछ इंस्टॉलेशन है और PCIe डिवाइस MES ये सब कुछ बता रहा है, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, देख लूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी इससे ज़्यादा, ठीक। तो ये सब वैन लेंस वगैरह सभी कुछ हो गया, और इसके बाद अपना दिया है पोर्ट्स, दिया पोर्ट्स भी सही है, प्रिंटर क्वेरी भी सही है। प्रोसेसर में देखो 6 कोर 12 थ्रेड बता रहा था ना मैं, तो इसमें देखो कितने कोर्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे थ्रेड। लॉजिकल थ्रेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 थ्रेड हो गए लॉजिकल। और सिक्योरिटी डिवाइस TPM 2.0, ठीक है, अच्छा है इंस्टॉलेशन, जो कि अभी लेटेस्टली चल रहा है TPM, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी जेनेरिक्स वगैरह राइट राइट सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, और सॉफ्टवेयर डिवाइस भी जो इंस्टॉलेशन है, और साउंड डब वीडियो एंड गेम्स कंट्रोलर भी, NVIDIA हाइड एंड डिफेंडर, NVIDIA वर्चुअल आईडियो डिवाइसेस एंड रियलिटिक आईडियो सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये भी सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, ये भी सभी कुछ इंस्टॉलेशन, ठीक। इसके बाद आ रहा है स्टोरेज कंट्रोलर में, आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज स्पेस कंट्रोलर एंड स्टैंडर्ड NVMe एक्सप्रेस कंट्रोलर, मतलब इधर जो NVMe अपन इंस्टॉलेशन कर रहा है वो इधर शो कर रहा है, ठीक है। सिस्टम में दिया है तो सिस्टम में API वगैरह सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, कोई वार्निंग का सिम्बॉल्स नहीं है, ओके। इसके बाद यूनिवर्सल बस सीरियल बसेस में आ जाता है जेनेक USB 3.0 और ये सब। तो एक चीज़ मुझे डाउट लगी कि ये PCI एक्सप्रेस का भी PCIe का दिख रहा है, जो अब इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कर लेंगे, बाकी और कुछ नहीं, बाकी विंडो अपन ने डाल ली है, सभी कुछ सही है। और इसके बाद मुझे बताना था आपको रेटिंग, सो क्रिस PC पे चलते हैं अपन, और क्रिस PC में देखते हैं रेटिंग। सो देखिए गाइस, क्रिस PC से मैंने रेटिंग ली थी गेमिंग इसकी पूरी, इस जो कि प्रोसेसर और रैम और ग्राफिक्स कार्ड और गेमिंग ग्राफिक प्राइमरी हार्ड डिस्क का दिया है, ठीक है। देखो प्रोसेसर कैलकुलेशन दिया है 9.2, ठीक, अच्छी बात है। मेमोरी रैम दिया है 9.2, रेटिंग दी है अच्छी है। ग्राफिक्स डेस्कटॉप परफॉर्मेंस दिया है 9.1, ठीक है। और गेमिंग ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 9.1, और प्राइमरी हार्ड डिस्क जो कि फर्स्ट दी है 9.3, जो कि SSD है M.2 की, ठीक है। अपने तो इससे आप अपने PC क्रेस से अपने विंडोज 10 11 में चेक कर सकते हैं, और बाकी 7 में तो रहता ही ऑलरेडी, तो ये अपन अलग से डाल देते हैं, इससे अपना स्कोर पता चल जाता है 9.1 या 9.3 तक अबव चल रहा है, ठीक है। ये इसका चार्ट रहेगा पूरा, प्रोसेसर का 9.2 और मेमोरी का 9.2, ग्राफिक्स का 9.1 और गेमिंग ग्राफिक्स का 9.1 और प्राइमरी हार्ड डिस्क का 9.35, ठीक, अच्छा, ओके। अब इसके बाद मैं चलता हूँ, वो है अपना रीस्टार्ट करना, और चेक कराता हूँ मैं लाइट इंडिकेटेड कैसा है, बाकी इधर कुछ अपग्रेडिंग वगैरह नहीं है, अब पहले अपग्रेडिंग आ रहा था, अब नहीं है, ठीक है। विंडोज़ में बाकी अच्छे से देख लिया है, और होम पे चलते हैं, बस विंडोज़ एक्टिवेट नहीं हुई है, बाकी सब सही चल रहा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए तो ये अपना लाइट इंडिकेटेड से देख, तो अभी अपन रीस्टार्ट कर देते हैं, देखिए, ओके, रीस्टार्ट मैंने कर दिया है, और इधर से लाइट ऑटोमेटिक इस टाइप की हो जाती है, वाह बहुत सुपर। तो ये सॉफ्टवेयर डालने उसी के ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से होते हैं, 8GB के जो कि GB के रहते हैं यूटिलिटी के, उसी की वजह से ना, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में लोगो वगैरह भी बता देता है, एंड ये देखिए GB का इंस्टेंट डबल ट्रबल, वाह सुपर, अच्छा है। बाकी DDR5 वाला है, बहुत है, मैं कह सकता हूँ हैवी गेमिंग एंड एडिटिंग के हिसाब से सही रहेगा, ठीक है, ओके। सो वीडियो तो बस पर रही, एंड इसका मैं केस और लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ अभी कैसा लगता है, बस ये इसके फैन की लाइट, फैन की लाइट ऑन हो जाती ना तो बेटर रहता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया यार उसको सुधारने में, रिपेयरिंग करने में, बट वो फैन का लाइटिंग प्रोजेक्शन नहीं हो पाया। तो अब लुकिंग वाइज तो अच्छा लग रहा है, अगर ग्लास कार्ड लगा दिया है साइड पैनल का, जिससे कि RGB लाइट्स वगैरह अच्छी दिख रही है और डिनोटेड से, ओके।
एक ही है ओके, बाकी बेटर है। और मैंने फ्लैश लाइट भी ऑन कर दिया मोबाइल का, जिससे कि पता चल जाएगा। और अपना ही गेमिंग सेटअप तो ये हो चुका है। बाकी बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, पीसी बिल्ड के सीपीयू बिल्ड को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कंपोनेंट मैंने आपको एक एक बताया, फिर इंस्टॉलेशन करके बिल्ड किया अपन ने, एक एक मदरबोर्ड किया, फिर उसके बाद अपने प्रोसेसर किया, प्रोसेसर के बाद ब्रैकेट किया, ब्रैकेट्स के बाद इसके पूरे मदरबोर्ड किया, प्रोसेसर के बाद ब्रैकेट किया, फिर उसके बाद रैम किया, फिर M.2 किया SSD, फिर उसके बाद अपन ने आई शील्ड का जो कि कूलर मास्टर का AIU 240 mm का लिक्विड कूलर रहता वो इंस्टॉलेशन नहीं उसमें किया, नहीं मदरबोर्ड को पूरा इंस्टॉलेशन किया कैबिनेट में इसमें केस में, ठीक है। फिर उसके बाद आई शील्ड का कूलर मास्टर का ये 240 mm का लिक्विड कूलर करा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने किया ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉलेशन RTX 3050, और फिर उसके बाद किया अपन ने SMPS इसमें पावर सप्लाई, जिसको पावर देने के लिए SMPS 550 वाट की वो सब। और फिर लास्टली मेरे को पूरा कंप्लीट करने के बाद बाहर मैनेजमेंट किया, और मैंने जो हार्ड डिस्क थी मेरे डेटा की वो लगा ली, और फिर उसके बाद फिर अपन ने भी शूट किया था, फिर मैंने बाहर मैनेजमेंट केबल मैनेजमेंट वगैरह सभी बताया, कैबिनेट में अपना केस में पीछे मैंने बताया था आपको ना, देखा होगा, ठीक है। तो ये सब फिर उसके बाद ये स्टिकर्स वगैरह लगाया, और फिर इंडिकेटर लाइट वगैरह ये सभी कुछ, तो ये सब तो USB 3.0 है, ये RGB लाइट कंट्रोल चल नहीं रहा, चल जाता बाकी। और इधर दिया USB 2.0, और ऑक्स कनेक्शन दिया, ऑडियो हेडफोन कनेक्शन और माइक कनेक्शन, और पावर लाइट दी गई है इंडिकेटर, और हार्ड डिस्क की रेड लाइट की दिए गए जो डिनोटेड हो रही थी, रिस्टार्ट बटन है पावर बटन, ठीक। और इधर से कूलिंग के लिए वेंटिलेशन 240 mm का लिक्विड कूलर की कूलिंग के लिए, ठीक। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फिर अपन ने लास्ट में की भाई विंडोज इंस्टॉलेशन, तो उसमें 2 आवर्स लग गया अपन को समथिंग, सॉफ्टवेयर विंडोज़ डालने में, फिर सॉफ्टवेयर डालने में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एक एक चीज़ें, ठीक। फिर इसके बाद ये कम्प्लीटली हो भाई, मुझे फिर इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको इसी के बारे में, तो ये सब थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करके बनी हुई है भाई 20-30 मिनट में, बट बैटरी हो गई है, बट थोड़ी बड़ी हो गई होगी, अपन ने स्किप तो कर दिया था कुछ पार्ट्स को लगाने में फास्टली, जिससे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो पाए ना, ओके। सो गाइस आज के लिए भाई बहुत सुपर रहा वीडियो गाइस, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप लोग लाइक करा करो गाइस, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और दोस्तों को शेयर करा करो वीडियोस। और बाकी 80 से 85 तक के में आपका ये पीसी बिल्ड हो जाएगा बहुत अच्छा, 32 GB रैम और 8 GB i5 प्रोसेसर और गेमिंग मदरबोर्ड DDR5 रैम के साथ, DDR5 मदरबोर्ड के साथ, और रैम 32 GB और 8 GB RTX 3050 के साथ, और कूलर मास्टर और केस और लिक्विड कूलर सभी कंप्लीट मिलाने के बाद 80 से 85 तक अपना हो जाता है ये, बाकी बेटर ही है, ठीक है। और अगर आप LED गेमिंग मॉनिटर जाएंगे तो वो 1 लाख समथिंग पहुँच ही जाएगा, जो 20 से 25,000 के बीच में आ जाती है LED गेमिंग मॉनिटर सैमसंग की, ठीक है, ओके। तो भले ही मैंने पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियोस बनाई हैं, मगर अच्छी रही हैं, पता चल गई पहले, फिर उसके बाद कम्प्लीटली एक वीडियो अपन ने इसकी CPU की बना दी, जिससे कि आपको कंक्लूजन पूरा कम्प्लीटली हो गया, वो पहले अपन ने LED की तो लेके ही आ गया, तो फिर एक PC कम्प्लीट रखने के बाद अपन ने इसको बना दिया है ना। और अब एक आध वीडियो में लेकर आऊँगा इसकी केस की, जिसको RGB के 120 mm के फ़ैन नहीं रनिंग हो रहा है, ये मास्टर फ़ैन, तो इसको भी चेंज करके देखेंगे तो क्या ये चालू हो जाए तो और अच्छा दिखने लगेगा ये चालू होकर कैबिनेट। बाकी ये साल अब क्यों नहीं हुआ पता, इतना पूरा अपन ने कंप्लीट बना लिया, ये और हो जाते हैं RGB फैंस 120 mm के, 3 फैन डॉम्प के और बैक साइड के 1 फैन, तो अच्छे से रनिंग होकर अपना RGB कलर का बिल्कुल दिखने लगता है ये कैबिनेट, ठीक है। और गेमिंग कैबिनेट बहुत अच्छा लुकिंग वाइज होता है, लवली लुकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सफ़र रहा गेमिंग, बाकी मेहनत लग गई बहुत बनाने में, एडिटिंग करने में, एडिटिंग में भी हो जाता है टाइम गाइस, है ना, वीडियो। बाकी अब यार थोड़ी कंप्यूटराइज वाली वीडियोस लेकर आएंगे, जो कि लेटेस्ट अपडेट रहती है वही वाली वीडियोस के बिना अनबॉक्सिंग वाली भी लेकर आ जाया करेंगे, है ना, कुछ कुछ, ओके। ओ गाइस लाइव पे भी आते रहते हैं, तो कभी कभार तो लाइव पे भी आ जाया करो आप लोग, और वीडियोस को पूरा देखते रहा करो, और भी जो पुरानी वीडियोस भी हैं वो भी अच्छे से देख लिया करो, क्या कुछ कुछ आप स्किप करके देखते रहते हो, और लेटेस्ट जो आगे की वीडियो में डालता रहता हूँ ना, तो ये वाली भी तो स्किप करके नहीं देखा करो, थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, जिससे कि जो आपको मेनली पता चल पाए कि कैसे क्या प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम और ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं और फिर इंस्टॉलेशन करते हैं CPU में, और फिर उसके बाद अपना
केस वगैरह में इंस्टॉलेशन करते हैं सभी कंपोनेंट को, और फिर उसके बाद एस एम पीस लगा के पावर कैसे विंडोज़। तो विंडोज़ की मैंने वीडियो इसलिए नहीं करी क्योंकि इससे और लंबी वीडियो हो जाती, अभी तो बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी इसलिए, है ना। तो मैंने इसलिए कहा विंडोज़ की, पहले विंडोज़ की बनी हुई थी तो मेरे चैनल पे, तो आप उस पर देख के जा सकते हैं। विंडोज़ 10 की भी और विंडोज़ 11 डाल ली थी, वो नहीं है विंडोज़ 11 मेरे चैनल पे, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ और है कि ये पेंडा मैं बता रहा था, तो इसमें बनाई थी विंडोज़ 11 मैंने, तो इजीली बन गई थी बूटेबल से। GPT पर ट्रांसफ़र फाइल भी बनाई थी, जिससे कि विंडोज़ 11 1TB की मैंने सी ड्राइव भी बना दी, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और बाकी रिसीवर भी है, अच्छा है। बाकी ये मदरबोर्ड गेमिंग वाला भी एडवांस फीचर है और अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो बहुत सुपर रही गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई पीसी बिल्ड की, सीपीयू बिल्ड की, जो कि गेमिंग के हिसाब से ही और सभी कुछ लगाने के इंस्टॉलेशन में भी टाइम लग जाता है, इसलिए इंटेल कोर i5 में, है ना। तो मिलते हैं गाइस अपन अब नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि टाइम भी हो गया है बहुत ही, और सुपर लुक मिल रहा है। बाकी बस जिस लाइट वो जल जाती है इसकी केस की, तो बेटर रहता है RGB कैबिनेट की, तो सही रहता है ना। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और न्यू वीडियो के साथ ही। और आप लोग जब तक गाइस लाइक करो गाइस, और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को भैया शेयर करो वीडियो, है ना, जिससे कि सभी को पता चले कि मैं ये लेकर आता रहता हूँ वीडियोस। और आप लोग बताते भी नहीं हो कुछ कमेंट करके कि कैसा क्या पीसी रहा बाकी। और एक वीडियोस मैं इस पर भी लेकर आऊँगा कुछ गेमिंग के FSV पे, तो इसकी अपन एक चेक कर लेंगे टेस्ट बेंचमार्क गेमिंग का, तो कैसा रहेगा परफॉर्मेंस वगैरह, है ना। RTX Core i5 32GB रैम DDR5 वाली और 8GB का RTX 3050 8G का ग्राफिक्स कार्ड अपना, और 550W का कूलर मास्टर के साथ, जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छे दे देगा बाकी ये, है ना। ओडबर वगैरह और भी जो गेम्स अपन ने चेक किए थे पहले ग्राफिक्स कार्ड में, RTX 3050 में ओडबर, आप ब्लैक टेल में भी बहुत सारी थी, तो इसकी भी एक पूरी एक कैबिनेट की पूरी केस की अपनी RGB PC CPU बिल्ड की वीडियो तो हो गई, पर अपनी गेमिंग की वीडियो भी ले आएंगे बेंचमार्क की, है ना। ओके, सो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जब तक गाइस लाइक करो और कमेंट करो। ओके गाइस, सो थैंक यू। सो गाइस अपन आ गए हैं बाकी विंडो की तरफ, और मुझे इसमें 1 से 2 आवर्स लग गया क्योंकि इंस्टॉलेशन में मुझे 30 मिनट से 20 मिनट्स हो गया था। विंडोज 11 डाल लिया अपन ने, है ना, अपने इस पीसी पे, और फिर उसके बाद ड्राइवर्स डाले अपन ने मदरबोर्ड्स के, फिर इसके NVIDIA ड्राइवर्स RTX 3050 के ग्राफिक्स ड्राइवर डाले, ठीक। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ हो भाई, कंप्यूटर अपन ने पीसी CPU को बिल्ड किया तो इसमें अपन को टाइम तो लगा ही, साथ साथ फिर सॉफ्टवेयर में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। और ये जो LED है, ये अपने पुरानी LED जो थी सैमसंग की, वही LED थी जो अनबॉक्सिंग की थी अपन ने, 240Hz की सैमसंग की गेमिंग LED, जो रिस्पॉन्स टाइम 1 मिली सेकेंड से इसका, ठीक है, वही है। बाकी बहुत अच्छा लुकिंग वाइज लग रहा है। विंडोज 11 नहीं डाली मैंने, कहा लेटेस्ट विंडोज डाल लेते हैं अपन, जिससे कि अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग एंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग, है ना। तो भाई चलते हैं अपन, देखते हैं और कैसा रहेगा बाकी इसके स्कोर्स वगैरह से मैंने देखे थे अभी, क्रिस्प पीसी से इंडेक्स से निकाले थे, तो वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले अपन इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी विंडोज़ 11 है तो एक्टिवेटिंग कर रहे थे, तो अभी एक्टिवेट में नहीं हो पाया, बहुत देर तक करते रहे, 30-40 मिनट में एक्टिवेट में लगे गए, मगर एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। एंड स्पीड की बात की जाए तो हर्ट्ज़ अपने 240Hz में है, तो अच्छी परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी बाकी अपन को गेमिंग एडिटिंग में। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई अपन देख लेते हैं, आपको मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ माय कंप्यूटर की, एंड माय कंप्यूटर निकल नहीं रहा है क्योंकि, और इधर पे मैंने एक कीबोर्ड माउस लगा लिए थे ये वाले फॉक्सन के, और एक प्रोडक्ट वगैरह के मैंने, और ये अपना वाईफाई एंटीना लगाई होता रिसीवर, जो कि ब्लूटूथ वाईफाई प्लस ब्लूटूथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वही चल रहा है अपना, मुझे 2 आवर्स ही लग गया है समथिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ही, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर रहते हैं यार इसके, कह सकता हूँ मैं, फिर उसके बाद ही हो पाता है सभी कुछ। फिर मैंने कहा विंडोज डल जाएगी, फिर उसके बाद अपन बनाएंगे वीडियोस,
ठीक है, मैनेजमेंट नहीं चलना है, कंट्रोल ई दबा, विंडो ई दबा देते हैं तो आ जाएगा। ठीक, आ गया आ गया। चलिए तो बाकी स्पोर्ट्स से ओपनिंग हो रहा है। सी ड्राइव मैंने 1 TB की बना दी है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग वगैरह करना पड़ते हैं उसी के हिसाब से। ओके चलिए भाई, तो सी ड्राइव हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखते हैं हमारे कंप्यूटर। तो इंटेल कंपनी अपन ने कर दिया था सिर्फ इंटेल B76M गेमिंग AC मदरबोर्ड से। ओके, आप देख पा रहे होंगे, बाकी देख लीजिए थोड़ा। और इधर से डिवाइस स्पेसिफिकेशन दिया है, कॉपी कर सकते हैं। और डिवाइस नेम इंटेल है, 12th जनरेशन प्रोसेसर, 12th जनरेशन i5 12500F 2.5 GHz है। और इंस्टॉलेशन रैम है 32 GB एंड 31.8 GB यूजेबल में जा रहा है, और 200 GB कुछ समथिंग उसमें हो जाता है फिजिकली। ठीक, और इसके बाद स्टोरेज केस में हो जाता है समथिंग। ID दिया है इस पर, जितना नॉर्मली इस विंडोज़ के साथ हो जाती है। प्रोडक्ट ID है विंडोज़ से, और ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर अपना 64-bit है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स OS पेंटस नो है। ठीक है, एंड अब विंडोज़ की बात कर लेते हैं। तो विंडोज़ अपना है 11 प्रो यूज़ कर रहा है अपन, मैंने डाला है। बाकी 23S2 वर्ज़न दिया है, 29.05.24 को इंस्टॉल्ड है, मतलब बता रहा है ये। ठीक है, अभी की लेटेस्ट, मतलब एक आगे की डेट ही बता रहा, बाकी आज की डेट क्या 28 बता रहा था। ठीक है, OS बिल्ड अपना दिया है 22S से, ये मॉडल नंबर 22633.3593। ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, ये सब तो हो गई जनरल चीज़ें, और ब्लूटूथ हो गया, और बाकी और भी चीज़ें हैं सब कुछ है। अलग से ब्लूटूथ एडाप्टर नहीं लेना पड़ेगा, और अपडेटिंग वगैरह मैंने असेंबल्स कर लिया था, और अपडेटिंग भी कर चुके थे। रिज्यूमिंग अपडेटिंग बता रहा है, तो इसको अपन ऑन भी कर देते हैं, अभी चलता रहेगा बाकी। ओके, अब इसके बाद चलते हैं अपना सी ड्राइव। तो सी ड्राइव अपन ने बनाया हुआ है समथिंग 1 TB का, M.2 का, जो कि एडाटा की 1 TB है। ठीक है, जिसकी रीड एंड राइट मेमोरी 7000 के अबाव भी है। ओके चलिए, अब इसके बाद देखते हैं अपना एक और चीज़ है, वो है ग्राफ्स। तो टास्क बार में चलते हैं, और टास्क मैनेजर में सॉरी, और इधर से चलेंगे ग्राफ। तो ग्राफ देखेंगे CPU का कैसा ग्राफिक चल रहा है, मतलब लोड ले तो नहीं रहा है, बाकी मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं चलाते चलाते आप, तो और ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ा। और टेम्परेचर मेरे हिसाब से कूलर मास्टर का अपना ये लगा हुआ है, तो इससे 50 या 60 तक कूलर हो रहा है डिग्री सेल्सियस हीटिंग, जो भी प्रोसेसर उससे ज़्यादा अबव नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, और RGB कनेक्शंस के लाइट वगैरह सभी कुछ ले लिए अपन ने, जिससे कि कोई प्रॉब्लम, RGB के सॉफ्टवेयर इसके सभी को इंस्टॉलेशन कर लिए, जिसके ऑटोमेटिक ही कंट्रोलिंग हो रही है। रीस्टार्टिंग में स्टार्ट करने में भी अलग लाइट चेंज हो जाती है। ठीक, तो अब CPU का देख लेते हैं, फिर अपन रीस्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, CPU ये ले रहा है अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छा है 12,600 और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। मेमोरी DDR5 की 32 GB बहुत कहलाती है गेमिंग एडिटिंग के लिए, सभी को से डिस्क SSD है, एडाटा की 96% और 10 मिली सेकेंड्स वगैरह, 7 Mbps/s और 10 Mbps/s का बता रहा है। इंटरनेट में कितना आ रहा है, 0 KBS अभी इंटरनेट अपन यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहा है इसलिए। एंड GPU पे थोड़ा ही लोडिंग 3D में हो रहा है, इधर RTX 3050 8 GB वेरिएंट वाला है, DDR6 का OC वर्जन। ठीक, PCI Express 4.0 पे चल रहा है। ठीक चलिए भाई, इसके बाद आ जाते हैं अपन, एक और चीज़ है मुझे बताना था। माय कंप्यूटर में चलते हैं, स्टार पे चलते हैं, और डिवाइस मैनेजर देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा पता चलेगा कि अपने अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, ये क्या, अच्छा ये वार्निंग आ रहा है कि मैंने देखा नहीं, अभी देखा, चलो देख लेते हैं, वो तो अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको इंटेल कंपनी का पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो इधर से IDO भी सही है, ब्लूटूथ भी इंस्टॉलेशन है, IDO कर लिया था अपन इंस्टॉल, ब्लूटूथ इंस्टॉलेशन कर लिया, कंप्यूटिंग में कर लिया था GigaByte टेक्नोलॉजी, डिस्क का इंस्टॉलेशन एडाटा है, और डिस्प्ले ड्राइवर NVIDIA GeForce RTX
3050 है और फ्रेम है एंड फ्रेम के बाद दिया है ह्यूमन इंटरफेस है जो भी अपन के एनपैड्स वगैरह लगाते हैं उसके इनपुट ड्राइवर्स वगैरह सब इंस्टॉलेशन है डाटा की है और आईडी स्टैंडर्ड एसएसएल कीबोर्ड की एसडीवाई दिया माइक दिया एडीवी और मॉनिटरिंग जेनेरिक मॉनिटर ओडिसी G4। तो अपनी जो सैमसंग मॉनिटर है उसका मॉडल नंबर G4 सैमसंग गेमिंग ओडिसी G4 है सीरीज की, ठीक है 25 इंच का 240 हर्ट्ज़ में, ठीक है वैन लेंस सभी कुछ इंस्टॉलेशन है और PCIe डिवाइस MES ये सब कुछ बता रहा है। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, देख लूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी इससे ज़्यादा, ठीक। तो ये सब वैन लेंस वगैरह सभी कुछ हो गया और इसके बाद अपना दिया है पोर्ट्स दिया, पोर्ट्स भी सही है, प्रिंटर क्वेरी भी सही है। प्रोसेसर में देखो 6 कोर 12 थ्रेड बता रहा था ना मैं, तो इसमें देखो कितने कोर्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे थ्रेड। लॉजिकल थ्रेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 थ्रेड हो गए लॉजिकल। और सिक्योरिटी डिवाइस इसी 2.0 ठीक है, अच्छा है इंस्टॉलेशन जो कि अभी लेटेस्टली चल रहा है TPM, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी जेनेरिक्स वगैरह राइट है सभी कुछ इंस्टॉलेशन है और सॉफ्टवेयर डिवाइस भी जो इंस्टॉलेशन है और साउंड वीडियो एंड गेम्स कंट्रोलर भी NVIDIA हाइड एंड डिफेंडर NVIDIA वर्चुअल आईडियो डिवाइसेस एंड रियलिटिक आईडियो सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, ठीक है ये भी सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, ये भी सभी कुछ इंस्टॉलेशन, ठीक। इसके बाद आता है स्टोरेज कंट्रोलर में आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज स्पेस कंट्रोलर एंड स्टैंडर्ड NVMe एक्सप्रेस कंट्रोलर, मतलब इधर जो NVMe अपन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो इधर शो कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम में दिया है तो सिस्टम में API वगैरह सभी कुछ इंस्टॉलेशन है, कोई वार्निंग का सिम्बॉल्स नहीं है, ओके। इसके बाद यूनिवर्सल बस सीरियल बसेस में आ जाता है जेनेरिक USB 3.0 और ये सब। तो एक चीज़ मुझे डाउट लगी कि ये PCI एक्सप्रेस का भी PCIe का दिख रहा है, जो अब इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कर लेंगे, बाकी ऑफिस ने बाकी विंडो पर ने डाल ली है सभी कुछ सही है। और इसके बाद मुझे बताना था आपको रेटिंग, सो क्रिस्प PC पे चलते हैं अपन और क्रिस्प PC में देखते हैं रेटिंग। सो देखिए गाइस, क्रिस्प PC से मैंने रेटिंग ली थी गेमिंग इसकी पूरी, इस जो कि प्रोसेसर और रैम और ग्राफिक्स कार्ड और गेमिंग ग्राफिक्स प्राइमरी हार्ड डिस्क का दिया है, ठीक है। देखो प्रोसेसर कैलकुलेशन दिया है 9.2, ठीक अच्छी बात है। मेमोरी रैम को दिया है 9.2, रेटिंग दी है अच्छी है। ग्राफिक्स डेस्कटॉप परफॉर्मेंस दिया है 9.1, ठीक है। और गेमिंग ग्राफिक्स परफॉर्म 9.1 और प्राइमरी हार्ड डिस्क जो कि फर्स्ट दी है 9.3 जो कि SSD है M.2 की, ठीक है अपने। तो इससे आप अपने PC क्रेस से अपने विंडोज 10 11 में चेक कर सकते हैं और बाकी 7 में तो रहता ही ऑलरेडी, तो ये अपन अलग से डाल देते हैं, इससे अपना स्कोर्स पता चल जाता है 9.1 या 9.3 तक अबव चल रहा है, ठीक है। ये इसका चार्ट रहेगा पूरा, प्रोसेसर का 9.2 और मेमोरी का 9.2, ग्राफिक्स का 9.1 और गेमिंग ग्राफिक्स का 9.1 और प्राइमरी हार्ड डिस्क का 9.35, ठीक अच्छा है, ओके। अब इसके बाद मैं चलता हूँ, वो है अपना रीस्टार्ट करना और चेक कराता हूँ मैं लाइट इंडिकेटेड कैसा है, बाकी इधर कुछ अपग्रेडिंग वगैरह नहीं है, अब पहले अपग्रेडिंग आ रहा था अब नहीं है, ठीक है विंडोज़ में बाकी अच्छे से देख लिया है। और होम पे चलते हैं, बस विंडोज़ एक्टिवेट नहीं हुई है, बाकी सब सही चल रहा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए तो ये अपना लाइट इंडिकेटेड से देख तो अभी अपन रीस्टार्ट कर देते हैं, देखिए ओके रीस्टार्ट मैंने कर दिया है और इधर से लाइट ऑटोमेटिक इस टाइप की हो जाती है, वाह बहुत सुपर। तो ये सॉफ्टवेयर डालने उसी के ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से होते हैं 8GB के जो कि GB के रहते हैं यूटिलिटी के, उसी की वजह से ना, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में लोगो वगैरह भी बता देता है एंड ये देखिए GB का इंसेंट डबल टर डबल, वाह सुपर अच्छा है। बाकी DDR5 वाला है, बहुत है, मैं कह सकता हूँ हैवी गेमिंग एंड एडिटिंग के हिसाब से सही रहेगा, ठीक है ओके। सो वीडियो तो बस पर रही एंड इसका मैं केस और लगा देता हूँ फिर देखता हूँ अभी कैसा लगता है, बस ये इसके फैन की लाइट
फ़ैन की लाइट ऑन हो जाती ना तो बेटर रहता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया यार उसको सुधारने में, रिपेयरिंग करने में। बट वो फ़ैन का लाइटिंग पोजिशन नहीं हो पाया। ओके तो अब लुकिंग वाइज तो अच्छा लग रहा है। अगर ग्लास कार्ड लगा दिया है साइड पैनल का, जिससे कि आरजीबी लाइट्स वगैरह अच्छी दिख रही है और डिनोटेड से। ओके देखिए, ओके बाकी बेटर है। और मैंने फ्लैश लाइट भी ऑन कर दी मोबाइल का, जिससे कि पता चल जाएगा। और अपना ही गेमिंग सेटअप तो ये हो चुका है। बाकी बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, पीसी बिल्ड के सीपीयू बिल्ड को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कंपोनेंट मैंने आपको एक एक बताया, फिर इंस्टॉलेशन करके बिल्ड किया अपन ने, एक एक मदरबोर्ड किया, फिर उसके बाद अपने प्रोसेसर किया, प्रोसेसर के बाद ब्रैकेट किया, ब्रैकेट्स के बाद इसके पूरे मदरबोर्ड किया, प्रोसेसर के बाद ब्रैकेट किया, फिर उसके बाद रैम किया, फिर M.2 किया SSD, फिर उसके बाद अपन ने iShield का जो कि कूलर मास्टर का AIU 240 mm का लिक्विड कूलर रहता वो इंस्टॉलेशन नहीं उसमें किया, नहीं मदरबोर्ड को पूरा इंस्टॉलेशन किया कैबिनेट में, इसमें केस में, ठीक है। फिर उसके बाद iShield का और कूलर मास्टर का ये 240 mm का लिक्विड कूलर करा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने किया ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉलेशन RTX 3050, और फिर उसके बाद किया अपन ने SMPS, इसमें पावर सप्लाई जिसको पावर देने के लिए सभी पे 550 वाट की वो सब। और फिर लास्टली वे को पूरा कंप्लीट करने के बाद बायन मैनेजमेंट किया, और मैंने जो हार्ड डिस्क थी मेरे डेटा की वो लगा ली। और फिर उसके बाद फिर अपन ने भी शूट किया था, फिर मैंने बायन मैनेजमेंट केबल मैनेजमेंट वगैरह सभी बताया, कैबिनेट में अपना केस में पीछे मैंने बताया था आपको ना, देखा होगा, ठीक है। तो ये सब फिर उसके बाद ये स्टिकर्स वगैरह लगाया, और फिर इंडिकेटर लाइट वगैरह ये सभी कुछ। तो ये सब तो USB 3.0 है, ये RGB लाइट कंट्रोल बदल नहीं रहा, चल जाता बाकी। और इधर दिया USB 2.0 और ऑक्स कनेक्शन दिया, ऑडियो हेडफोन कनेक्शन और माइक कनेक्शन और पावर लाइट दी गई है, इंडिकेटर और हार्ड डिस्क की रेड लाइट की दिए गए जो डिनोटेट हो रही थी, रीस्टार्ट बटन है पावर बटन, ठीक। और इधर से कूलिंग के लिए वेंटिलेशन 240 mm का लिक्विड कूलर की कूलिंग के लिए, ठीक। फिर उसके लिए सब करने के बाद फिर अपन ने लास्ट में की भाई विंडोज़ इंस्टॉलेशन, तो उसमें 2 आवर्स लग गया अपन को समथिंग, सॉफ्टवेयर विंडोज़ डालने में, फिर सॉफ्टवेयर डालने में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक एक चीज़ें, ठीक। फिर इसके बाद ये कम्प्लीटली हो भाई, मुझे फिर इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको इसी के बारे में। तो ये सब थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करके बनी हुई है भाई 20-30 मिनट में, बट बैटरी हो गई है, बट थोड़ी बड़ी हो गई होगी, अपन ने स्किप तो कर दिया था कुछ पार्ट्स को लगाने में फास्टली, जिससे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो पाए ना। ओके सो गाइस, आज के लिए भाई बहुत सुपर रहा वीडियो गाइस, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप लोग लाइक करा करो गाइस, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और दोस्तों को शेयर करा करो वीडियोस। और बाकी 80 से 85 तक के में आपका ये पीसी बिल्ड हो जाएगा बहुत अच्छा, 32 GB रैम और 8 GB i5 प्रोसेसर और गेमिंग मदरबोर्ड DDR5 रैम के साथ, DDR5 मदरबोर्ड के साथ, और रैम 32 GB और 8 GB RTX 3050 के साथ, और कूलर मास्टर और केस और लिक्विड कूलर सभी कंप्लीट मिलाने के बाद 80 से 85 तक अपना हो जाता है ये, बाकी बेटर ही है, ठीक है। और अगर आप LED गेमिंग मॉनिटर जाएंगे तो वो 1 लाख समथिंग पहुँच ही जाएगा, जो 20 से 25,000 के बीच में आ जाती है LED गेमिंग मॉनिटर सैमसंग की, ठीक है। ओके तो भले ही मैंने पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियोस बनाई है, मगर अच्छी रही है, पता चल गई पहले, फिर उसके बाद कम्प्लीटली एक वीडियो अपन ने इसकी CPU की बना दी, जिससे कि आपको कंक्लूजन पूरा कम्प्लीटली हो गया। और पहले अपन ने LED की तो लेके ही आ गया, तो फिर एक PC कम्प्लीट रखने के बाद अपन ने इसको बना दिया है ना। और अब एक आध वीडियो में लेकर आऊँगा इसकी कैब इसकी केस की, जिसको RGB के 120 mm के फ़ैन नहीं रनिंग हो रहा है, ये मास्टर फ़ैन, तो इसको भी चेंज करके देखेंगे तो क्या ये चालू हो जाए तो और अच्छा दिखने लगेगा ये चालू हो के कैबिनेट। बाकी ये साला क्यों नहीं हुआ पता, इतना पूरा अपन ने कंप्लीट बना लिया, ये और हो जाते हैं RGB फैंस 120 mm के, 3 फैन टॉप के और बैक साइड के 1 फैन, तो अच्छे से रनिंग होके अपना RGB कलर का बिल्कुल दिखने लगता है ये कैबिनेट, ठीक है। और गेमिंग कैबिनेट बहुत अच्छा लुकिंग वाइज होता है, लवली लुकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सफर रहा गेमिंग, बाकी मेहनत लग गई बहुत बनाने में, एडिटिंग करने में, एडिटिंग में भी हो जाता है टाइम गाइस, है ना वीडियो। बाकी अब यार थोड़ी कंप्यूटर लाइस वाली वीडियोस लेकर आएंगे, जो कि लेटेस्ट अपडेट रहती है वही वाली वीडियोस के बिना, अनबॉक्सिंग वाली भी लेकर आ जाया करेंगे, है ना कुछ कुछ।
ओके। और गाइस लाइव पे भी आते रहते हैं, तो कभी कभार तो लाइव पे भी आ जाया करो आप लोग, और वीडियोस को पूरा देखते रहा करो, और भी जो पुरानी वीडियोस भी हैं वो भी अच्छे से देख लिया करो, क्या उसको आप स्किप करते देखते रहते हो, और लेटेस्ट जो आगे की वीडियो में डालता रहता हूँ ना, और ये वाली भी, तो स्किप करके नहीं देखा करो, थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, जिससे कि जो आपको मेनली पता चल पाए कि कैसे क्या प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, और फिर इंस्टॉलेशन करते हैं CPU में, और फिर उसके बाद अपना केस वगैरह में इंस्टॉलेशन करते हैं सभी कंपोनेंट को, और फिर उसके बाद SMPs लगा के पावर कैसे विंडोज़। तो विंडोज़ की मैंने वीडियो इसलिए नहीं करी क्योंकि इससे और लंबी वीडियो हो जाती, अभी तो बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी इसलिए, है ना, तो मैंने इसलिए कहा विंडोज़ की, पहले विंडोज़ की बनी हुई थी तो मेरे चैनल पे, तो आप उस पर देख के जा सकते हो, विंडोज़ 10 की भी और विंडोज़ 11 डाल दी थी, और नहीं है विंडोज़ 11 मेरे चैनल पे, तो आप अपने यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ और है कि ये पेंडा में बता रहा था, तो इसमें बनाई थी विंडोज़ 11 मैंने, तो इजीली बन गई थी बूटेबल से, GPT पर ट्रांसफ़र फाइल भी बनाई थी, जिससे कि विंडोज़ 11 1TB की मैंने C ड्राइव भी बना दी, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और बाकी रिसीवर भी है, अच्छा है, बाकी ये मदरबोर्ड गेमिंग वाला भी एडवांस फीचर है और अच्छे मिले हुए हैं, ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो बहुत सुपर रही गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई PC बिल्ड की, CPU बिल्ड की, जो कि गेमिंग के हिसाब से ही और सभी कुछ लगाने के इंस्टॉलेशन में भी टाइम लग जाता है, इसलिए इंटेल कोर i5 में, है ना। तो मिलते हैं गाइस अपन अब नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि टाइम भी हो गया है बहुत ही, और सुपर लुक मिल रहा है, बाकी बस जिस लाइट वो जल जाती है इसकी केस की तो बेटर रहता है, RGB कैबिनेट की तो सही रहता है ना। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू वीडियो के साथ ही, और आप लोग जब तक गाइस लाइक करो गाइस, और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को भैया शेयर करो वीडियो, है ना, जिससे कि सभी को पता चले कि मैं ये लेकर आता रहता हूँ वीडियोस, और आप लोग बताते भी नहीं हो कुछ कमेंट करके कि कैसा क्या PC रहा बाकी। और एक वीडियोस मैं इस पर भी लेकर आऊँगा कुछ गेमिंग के FSV पे, तो इसकी अपन एक चेक कर लेंगे टेस्ट बेंचमार्क गेमिंग का, तो कैसा रहेगा परफॉर्मेंस वगैरह, है ना। RTX Core i5 32GB RAM DDR5 वाली, और 8GB का RTX 3050 8GB का ग्राफिक्स कार्ड अपना, और 550 का कूलर मास्टर के साथ, जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छे दे देगा बाकी ये, है ना। और अबर वगैरह और जो गेम्स तो अपन ने चेक किए थे पहले ग्राफिक्स कार्ड में, RTX 3050 में, और अबर आप ब्लैक टेल में भी बहुत सारी थी, तो इसकी भी एक पूरी एक कैबिनेट की पूरी केस की अपनी RGB CPU बिल्ड की वीडियो तो हो गई, पर अपनी गेमिंग की वीडियो भी ले आएंगे बेंचमार्क की, है ना, ओके। सो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग गाइस लाइक करो और कमेंट करो, ओके गाइस, सो थैंक यू।